हेलो फ्रेंड्स, आज हम शुरू करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। दिस इज़ द चैप्टर वन ऑफ 12th। इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में पूरी डिटेल में हम पढ़ेंगे, कौन कौन से टॉपिक्स हम पढ़ने वाले हैं, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर देखेंगे। तो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इम्पोर्टेंट चैप्टर है नीट के लिए, तो इस चैप्टर को बहुत अच्छे से समझेंगे। और एक और चीज़ मैं आपसे बोलना चाहूँगा कि ये टॉपिक या कोई भी चैप्टर जो आप पढ़ेंगे, आप उसको सिर्फ मार्क्स के लिए ना पढ़ें, आप उसको इंटरेस्ट के साथ ये चेक करने के लिए पढ़ें कि भाई उससे आपको कितना समझ में आ रहा है, कितनी नॉलेज आपको उससे मिल रही है। अगर आप नॉलेज के लिए पढ़ेंगे तो आपके मार्क्स ऑटोमेटिकली ही अच्छे आएंगे। हाँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मार्क्स के लिए नहीं करना है आपको, मार्क्स के लिए क्वेश्चन वगैरह सारा हम करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो मैं आपको इसमें बता देता हूँ, एक बार एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि हम कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। बेसिकली हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्ज के बारे में पढ़ेंगे, देन चार्ज की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे, मैथड ऑफ चार्जिंग पढ़ेंगे, उसके बाद कूलम्स लॉ पढ़ेंगे, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल करेंगे, देन इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे, कूलम्स लॉ के मीडियम में क्या इफेक्ट होता है उससे रिलेटेड वो पूरी चीज़ हम कूलम्स लॉ में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग ऑब्जेक्ट की वजह से क्या क्या होता है, और इससे रिलेटेड जो नीट है उसमें कौन कौन से न्यूमेरिकल आ सकते हैं, उन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है, अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में हम बात करें तो इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक इसे बोला जा सकता है। इलेक्ट्रो का बेसिकली मीनिंग होता है चार्ज, इलेक्ट्रो का मीनिंग क्या हो जाएगा, चार्ज, और स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट। तो चार्ज और रेस्ट यहां पर हो सकता है। तो अब इलेक्ट्रो बेसिकली चार्ज को बोलते हैं, स्टैटिक मतलब रेस्ट से बोलते हैं। तो मैं आपको थोड़ा समझाऊं कि जब भी कोई चार्ज, चार्ज क्या होता है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। बेसिकली आपको छोटी क्लासेस में थोड़ा बहुत आइडिया मिला होगा कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होते हैं उन पर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होता है, वो क्या होता है, वो सारी चीज़ें हम डिटेल में यहाँ पर देखेंगे। अब बात आती है, तो जब भी कोई चार्ज पार्टिकल अगर रेस्ट पर है तो उसके रेस्ट पर होने से उसके चारों तरफ के एटमॉस्फेयर में, उसके चारों तरफ के स्पेस में क्या क्या इफेक्ट जनरेट होते हैं या क्या क्या चीज़ें चेंज हो सकती हैं, क्या इफेक्ट हो सकते हैं, वो सारी चीज़ों के बारे में हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं चार्ज के बारे में। तो फर्स्ट टॉपिक है हमारा चार्ज। व्हाट इज चार्ज? तो सबसे पहले अगर हम बात करें चार्ज की, तो यहाँ पर चार्ज एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है और फंडामेंटल पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन ड्यू टू विच दे शो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स। ये तो रही डेफिनेशन, अब मीनिंग क्या होता है। देखिए, हमें पता है कि अभी तक हमें ये पता है कि जो मैटर होता है, मैटर की सबसे छोटी यूनिट होती है एटम। एटम के बारे में आई गेस आप सब लोगों को पता होगा। तो एटम जो होते हैं, तो एटम के अंदर कई सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि अगर ये एटम है, एटम के चारों तरफ ये इस तरह से, तो ये होता है न्यूक्लियस और ये कई सारे इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ रहते हैं। तो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं और यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो फंडामेंटल पार्टिकल हैं, इनके अलावा और भी होते हैं लेकिन हम इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जैसे फंडामेंटल पार्टिकल के पास कुछ प्रॉपर्टी होती है। उस प्रॉपर्टी की वजह से ये पार्टिकल्स इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट शो कर पाते हैं किसी न किसी प्रोसेस के थ्रू। तो इन दो फंडामेंटल पार्टिकल्स की जो प्रॉपर्टी होती है उसी को हम क्या बोल देते हैं, उसी को हम चार्ज बोल देते हैं। अब इंट्रिंसिक वर्ड का मतलब क्या होता है? इंट्रिंसिक वर्ड का मतलब है कि इसकी वो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है, मतलब वो होगी ही होगी, इन पार्टिकल्स के पास वो प्रॉपर्टी रहेगी ही रहेगी। जैसे नेचर बोलते हैं किसी एक बच्चे की, जैसे कोई भी नेचर हो गया, अगर मान लीजिए कि हम एक फ्रूट की बात करें, ठीक है ना, अगर ऑरेंज है तो ऑरेंज की बात अगर करें तो ऑरेंज मोस्टली मतलब खट्टा होता है, तो खट्टापन उसकी नेचर है ना, और भी चीज़ें उसमें हो सकती है लेकिन खट्टापन उसकी नेचर है। तो बेसिकली उसकी बेसिक प्रॉपर्टी, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है
जिसके बिना वो रह नहीं सकते, तो उस चीज को हम इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन ड्यू टू विच दे शो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स आर कॉल्ड चार्ज। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन आपको पता लगी। तो ये यहां पर इसकी डेफिनेशन आपके सामने। अब बात करते हैं चार्ज के बारे में थोड़ा सा। तो चार्ज बेसिकली एक फिजिकल क्वांटिटी होती है जिसकी यूनिट जो होती है, अगर मैं यूनिट के बारे में आपको बताऊं तो इसकी यूनिट जो है SI यूनिट की अगर मैं बात करूंगा तो SI यूनिट जो होती है इसकी, SI का मतलब आपको पता होगा सिस्टम इंटरनेशनल, जो एक इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स है उसको हम बोलते हैं। तो SI में इसकी यूनिट होती है कूलम, इसको हम सी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और CGS में इसकी दो तरह की यूनिट हो सकती है, एक होती है ESU और एक और यूनिट हम बोल सकते हैं EMU। ये दोनों CGS यूनिट से, ESU की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। और EMU की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रो मैग्नेटिक यूनिट। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, ये दोनों जो होंगी ये दोनों हम CGS वाली होंगी और ये SI में कूलम को बोलते हैं। इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होता है वो भी हम देखते हैं कि इन तीनों के बीच में आपस में क्या रिलेशन यहाँ पर निकल कर आता है। ESU को हम 1 ESU जो है उसको हम 1/3 इंटू 10^-9 कूलम बोल सकते हैं, और जो 1 EMU होता है उसको हम 10 कूलम बोल सकते हैं। मतलब यहाँ 1 EMU इक्वल्स टू 10 कूलम्स होता है और 1 ESU इक्वल्स टू 1/3। या आप ऐसा बोल सकते हैं 1 कूलम इक्वल्स टू 3 × 10^9 कूलम ESU यहाँ पर हो जाएगा। ESU को यहाँ पर एक और नाम से हम जान सकते हैं अगर हम बात करें तो। ESU को इसके अलावा स्टैटिक कूलम भी बोला जाता है, स्टैट कूलम भी हम कई जगह पर बोला जाता है, या इसको कई बार फ्रैंक लाइन भी बोल सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर हम EMU की बात करें तो EMU को हम एब्सोल्यूट कूलम भी बोल सकते हैं, एब्सोल्यूट कूलम यहाँ पर बोल सकते हैं। तो ये नोमेनक्लेचर्स हैं, थोड़ी सी आपको बेसिक यूनिट के बारे में आपको पता होना चाहिए। अब इसकी डायमेंशन के अगर बारे में अगर मैं बात करूँगा तो डायमेंशन जो होगी चार्ज की, तो चार्ज की जो डायमेंशन होती है, चार्ज को हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, तो क्यू की जो डायमेंशन होगी वो होगी AT। अब ये AT किस तरीके से निकाला गया है हमें पता है। यहाँ पर डायमेंशन निकालने के लिए बेसिकली यहाँ पर हमें करंट की डेफिनेशन पता होती है कि करंट होता है चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम। तो यहाँ पर ये फंडामेंटल क्वांटिटी है, ये फंडामेंटल क्वांटिटी है, तो क्यू इक्वल्स टू IT। तो I की डायमेंशन होती है A और T की डायमेंशन होती है कैपिटल T। तो यहाँ पर चार्ज की डायमेंशन A × T, ये आपको ध्यान रखनी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर हो जाती है। अब बात आती है कि जो चार्ज है उसको मेजर करने के लिए भी कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट हो सकते हैं। हाँ हो सकते हैं। तो चार्ज को मेजर करने के लिए दो तरह के इंस्ट्रूमेंट है। फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट जो है वो है हमारे पास इलेक्ट्रोमीटर, और सेकेंड इंस्ट्रूमेंट जो है हमारे पास है बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर। इलेक्ट्रोमीटर और बैलिस्टिक, ये सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि किसे मेजर कर सकते हैं। ये नीट के हिसाब से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी नहीं है। हाँ, अब इसमें चार्ज, किसी बॉडी पर कोई चार्ज प्रेजेंट है या नहीं है इसका अगर हमें पता लगाना है तो इसका लिए भी एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्कोप। तो इलेक्ट्रोस्कोप एक टू लीफ से बना हुआ एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसका यूज करके हम किसी भी बॉडी पर चार्ज प्रेजेंट है या नहीं है अब उसके बारे में हम बता सकते हैं। इसके बारे में भी हम डिटेल में देखेंगे।
चार्ज को चेक करने के काम आता है कि चार्ज प्रेजेंट है या नहीं है। इलेक्ट्रोस्कोप का यहाँ पर इस तरीके से यूज़ किया जाता है। तो बेसिकली ये यहाँ पर हमारे पास चार्ज के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन हुई। अब बात करते हैं कि चार्ज कितने टाइप के होते हैं, कि चार्ज की कितने टाइप्स होते हैं, क्या क्या किस तरीके से चार्ज बनाया जाता है। तो आओ देखते हैं चार्ज के टाइप्स के बारे में। देखिए फ्रेंड्स, टाइप्स ऑफ चार्ज की अगर बात करें तो दो टाइप के चार्ज होते हैं, एक होता है पॉजिटिव चार्ज और एक होता है नेगेटिव चार्ज। दो टाइप के चार्ज होते हैं। अब देखो दो टाइप के चार्ज बनाने का मतलब क्यों था यहाँ पर। एक्चुअली हमारे पास दो तरह के फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, एक होता है इलेक्ट्रॉन और एक होता है प्रोटॉन। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर दोनों पर ही चार्ज अवेलेबल होते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन पर चार्ज थोड़ा अलग होता है और प्रोटॉन पर चार्ज थोड़ा सा अलग होता है। तो दोनों में जो डिफरेंस है, तो वो डिफरेंस को शो करने के लिए हमें कुछ नेम तो देना पड़ेगा। तो एक पर पॉजिटिव बोल दिया और एक पर नेगेटिव बोल दिया। तो एक चार्ज को हम पॉजिटिव चार्ज नाम दे देते हैं और एक को नेगेटिव चार्ज नेम दे देते हैं, ठीक है। तो अब ये कैसे फॉर्मेट किया जाते हैं, तो इसके बारे में थोड़ा सा हम देखते हैं कि एक्चुअली पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज के बारे में बेसिक से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात अगर मैं करूँ कि पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ पर प्रोटोन पर जो चार्ज होता है, उस प्रोटॉन पर चार्ज ऑन प्रोटॉन, प्रोटॉन पर जो भी चार्ज होगा उस चार्ज को हम पॉजिटिव चार्ज बोलते हैं, और नेगेटिव चार्ज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। किसी भी बॉडी पर अगर, तो प्रोटॉन के ऊपर जो चार्ज अवेलेबल होता है उसको हम पॉजिटिव चार्ज बोलते हैं, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज अवेलेबल होता है उसको हम नेगेटिव चार्ज बोलते हैं। अब कोई भी बॉडी है उसको पॉजिटिवली चार्ज बनाना है तो क्या करना चाहिए, और नेगेटिवली चार्ज बनाना है तो क्या करना चाहिए, या किसी भी बॉडी को हम पॉजिटिवली चार्ज बॉडी कब बोल सकते हैं और नेगेटिवली चार्ज बॉडी कब बोल सकते हैं, उसके बारे में देखते हैं। तो एक बहुत सिंपल सी चीज़ है। सबसे पहले एक मैं छोटी सी चीज़ आपको बताता हूँ कि हमें पता है कि एक एटम जो होता है, एटम के अंदर न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों चीज़ें रहती हैं। तो यहाँ पर एक मान लीजिए एक एटम है, एटम के अंदर कई सारे प्रोटॉन हैं यहाँ पर, और यहाँ पर उतने ही इलेक्ट्रॉन इसमें हैं। मैं सिर्फ रैंडमली बना रहा हूँ, तो आप उसके अकॉर्डिंग मत देखना कि भाई यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन। तो ये है एक एटम, इस एटम के अंदर जितने अमाउंट में जितने अमाउंट में इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही अमाउंट में प्रोटॉन भी होते हैं। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो ऑर्बिट्स में होते हैं, और ई जहाँ पर मैं इलेक्ट्रॉन को शो करने के लिए लिख रहा हूँ, और अगर मैं कहीं पर भी पी प्लस लिखता हूँ उसका मतलब हो जाता है प्रोटॉन, ठीक है। तो यहाँ पर प्रोटॉन का मतलब मैं पी प्लस से रिप्रेजेंट करूँगा, और इलेक्ट्रॉन को मैं ई नेगेटिव से रिप्रेजेंट करूँगा। तो आप थोड़ा सा उसका ध्यान रखना। तो किसी भी एटम के अंदर जो ऑर्बिट होती है, तो ऑर्बिट में चारों तरफ, न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहते हैं और न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन रहता है। तो किसी भी एटम में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन दोनों इक्वल होते हैं, मतलब जितना चार्ज प्रोटॉन ने शो किया उतना ही चार्ज इलेक्ट्रॉन ने भी शो किया। अब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो नेचर में एक दूसरे के अपोजिट पाया गया। जब डिस्कवरी के इसके एक्सपेरिमेंट के थ्रू जब मिला, तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो एक्सपेरिमेंटली दोनों एक दूसरे के अपोजिट नेचर के मिले, ठीक है। इसीलिए तो एक को पॉजिटिव और एक को नेगेटिव शो कर दिया, ताकि क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एक दूसरे की अपोजिट नेचर को बताते हैं, ठीक है। तो यहां पर एटम जो होता है उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो होते हैं वो दोनों इक्वल है। यहाँ ई माइनस लिख रहा हूं तो आप समझना इलेक्ट्रॉन के बारे में बात कर रहा हूं, और पी प्लस लिख रहा हूं इसका मतलब प्रोटॉन। तो किसी भी एटम के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम होते हैं। तो जब ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देंगे तो एटम का जो टोटल चार्ज होता है वो जीरो हो जाता है। तो यहां पर मैं एक चीज बोल सकता हूं, टोटल चार्ज ऑफ एटम जो होगा वो जीरो हो जाएगा, ठीक है। अब बात कहानी यहीं से शुरू होती है। तो किसी भी मटेरियल को अगर हमें पॉजिटिवली चार्ज बनाना है, तो मटेरियल के अंदर कई सारे एटम्स होते हैं। अब थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि एक मटेरियल के अंदर, एक ऑब्जेक्ट के अंदर एक एटम है। अब अगर वो एटम पॉजिटिवली चार्ज हो गया या नेगेटिवली चार्ज हो गया, तो पूरा एटम भी, पूरा ऑब्जेक्ट भी नेगेटिवली या पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। तो अगर यहाँ पर
हमें किसी भी ऑब्जेक्ट को पॉजिटिवली चार्ज बनाना है, तो क्या होगा सिचुएशन देखते हैं। मान लीजिए अब प्रोटॉन को हम यहाँ से नहीं निकाल सकते, न्यूक्लियस के अंदर से प्रोटॉन को नहीं निकाला जा सकता है। हमें किसी भी ऑब्जेक्ट को पॉजिटिव नेगेटिव बनाना है, तो यानी कि एटम को पॉजिटिव या नेगेटिव बनाना है, तो हमें या तो इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करना पड़ेगा या इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालना पड़ेगा। अब मान लीजिए सपोज किसी एटम के अंदर नंबर ऑफ 10 इलेक्ट्रॉन्स है और 10 प्रोटॉन्स है, 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 10 प्रोटॉन्स हैं। अगर मान लीजिए किसी भी तरीके से हमने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कम कर दिया, मतलब किसी एटम से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया, तो वहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाएंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन ऑटोमेटिकली ज्यादा हो जाएंगे, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीज हो जाने की वजह से उस पूरे एटम के ऊपर जो डोमिनेशन आया वो प्रोटॉन का आ गया, प्रोटॉन के चार्ज का आ गया, तो वो प्रोटॉन के चार्ज को हम क्या बोल रहे हैं, पॉजिटिव बोल रहे हैं। तो इसी वजह से हम उस एटम को पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन बोल देते हैं, या और उस ऑब्जेक्ट को पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी बॉडी बोल देते हैं। तो किसी भी बॉडी में अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो है वो ग्रेटर देन हो जाए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, तो उसको हम पॉजिटिवली चार्ज बोल देते हैं। सिमिलरली अगर यहां पर मान लीजिए कि ऐसा कुछ हो जाए, अगर मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन की जगह यहां पर अब इलेक्ट्रॉन हमने रिमूव किए, अगर इलेक्ट्रॉन के रिमूव करने की जगह हम इलेक्ट्रॉन्स को अगर ऐड करना शुरू कर देते हैं, तो अगर इलेक्ट्रॉन को हमने ऐड कर दिया, मान लीजिए यहाँ 10 प्रोटॉन थे और 10 इलेक्ट्रॉन थे, मैंने एक इलेक्ट्रॉन लाके ऐड कर दिया, तो इलेक्ट्रॉन का डोमिनेशन आ गया, डोमिनेट कर गए, इलेक्ट्रॉन का चार्ज डोमिनेट कर दिया, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज अगर डोमिनेट कर जाएगा, तो इसका मतलब इस पर जो टोटल चार्ज हो गया, जो चार्ज ये कौन जो ये एटम है, अब ये नेगेटिवली नेगेटिव आयन बन गया। आयन का मतलब कभी भी किसी एटम पर अगर कोई चार्ज इंक्रीज कर जाता है पॉजिटिवली, तो वो पॉजिटिव आयन बन जाएगा, और नेगेटिव चार्ज ज़्यादा हो जाता है तो वो नेगेटिव आयन, और जो बॉडी होगी वो नेगेटिवली चार्ज या पॉजिटिवली चार्ज। तो नेगेटिवली चार्ज बनाने के लिए अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हो गए और नंबर ऑफ प्रोटॉन कम रह गए, तो वहां पर वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर ग्रेटर देन है नंबर ऑफ प्रोटॉन से, तो वहां पर उस चीज को हम क्या बोल देंगे, नेगेटिवली चार्ज बॉडी। तो बेसिकली ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है नेगेटिवली और पॉजिटिवली चार्ज का। तो नेगेटिव चार्ज बनाने के लिए हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ाने होंगे, और पॉजिटिव चार्ज बनाने के लिए हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को डिक्रीज करना होगा। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन रिमूव किए तो पॉजिटिवली चार्ज बनेगा, और अगर इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए तो नेगेटिवली चार्ज बन जाएगा। एक छोटी सी चीज जो यहाँ पर समझने वाली है, जब भी हम किसी बॉडी को नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज बॉडी बनाते हैं, तो हम प्रोटॉन के नंबर्स के साथ कोई चेंज नहीं करते, क्योंकि प्रोटॉन को हटाया नहीं जा सकता, प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर हो सकता है, ठीक है ना, और न्यूक्लियस को ब्रेक करना बहुत आसान नहीं होता है। तो हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कम ज़्यादा करके ही, इंक्रीज या डिक्रीज करके ही किसी भी बॉडी को पॉजिटिवली या नेगेटिवली चार्ज बनाते हैं, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी कि किस तरीके से, ठीक है। तो डेफिशिएंसी अगर इलेक्ट्रॉन की हो रही है तो पॉजिटिव चार्ज, और अगर एक्सेस में इलेक्ट्रॉन है तो नेगेटिव चार्ज हम उसको बोल सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है यहाँ पर, तो एटम न्यूट्रली इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट आता है मेथड्स ऑफ चार्जिंग। अभी हमने सीखा कि किसी बॉडी को चार्ज करने को अगर पॉजिटिवली चार्ज करना है तो क्या करना पड़ेगा, और नेगेटिवली चार्ज करना है तो क्या करना पड़ेगा, लेकिन किस तरीके से करना पड़ेगा, हाउ द प्रोसेस, व्हाट इज द प्रोसेस। तो प्रोसेस के बारे में, तो यहाँ पर तीन तरह के मेथड हो सकते हैं, तीन तरह के मेथड। तो मेथड्स ऑफ चार्जिंग में हम वही सारी चीजें पढ़ेंगे। तो देखिए अगला टॉपिक है हमारा मेथड ऑफ चार्जिंग, मेथड्स ऑफ चार्जिंग। किसी भी बॉडी को अगर पॉजिटिवली या नेगेटिवली चार्ज करना है तो उसके क्या क्या मेथड्स हो सकते हैं, उन मेथड्स के बारे में ही हम यहाँ पर आज बात करने वाले हैं। तो तीन मेथड्स हो सकते हैं, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, सेकेंड मेथड हो सकता है चार्जिंग बाय कंडक्शन, और थर्ड मेथड हो सकता है चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो फर्स्ट टॉपिक हम लेते हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। देखिए दोस्तों, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में क्या होता है, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन के लिए में होता क्या है, अगर हमारे पास दो इंसुलेटर हैं,
कोई भी दो इंसुलेटर ऑब्जेक्ट हैं। इंसुलेटर का मतलब होता है नॉन कंडक्टर, नॉन कंडक्टर का मतलब जिससे करंट फ्लो नहीं हो सकता, तो उसको हम इंसुलेटर या नॉन कंडक्टर बोलते हैं। तो जैसे कि वुड हो गया, पेपर हो गया, इस तरह की चीज़ें, प्लास्टिक हो गई, फर हो गई, ये सारी चीज़ें। तो अगर दो मटेरियल को आपस में रब किया जाए, तो रब करने की वजह से दो आपस में कोई दो मटेरियल है, सपोज ये एक मटेरियल है और ये मटेरियल, इन दोनों को अगर मैं आपस में रब करता हूँ, तो रब करने की वजह से जब हम रब करते हैं तो जिस जगह पर रब करते हैं वहां पर थोड़ा बहुत फ्रिक्शन होता है, ठीक है। तो फ्रिक्शन की वजह से वहां पर हीट जनरेट होने लगती है। तो अब आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, जब हम हाथों को रब करते हैं तो हाथों हाथों के बीच में थोड़ा टेम्परेचर बढ़ जाता है, हीट जनरेट हो जाती है रब करने की वजह से। इसी तरह से दो ऑब्जेक्ट को जब हम आपस में रब करते हैं तो फ्रिक्शन की वजह से, ड्यू टू फ्रिक्शन, कुछ हीट जनरेट हो जाती है। वो हीट जो होती है वो दोनों ऑब्जेक्ट के पास जाती है। अब जैसे मैं आपको समझाऊं, मान लीजिए हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं, एक ऑब्जेक्ट है ए और एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पर बी। इन दोनों ऑब्जेक्ट को हमने आपस में रब किया, ए और बी को आपस में रब किया, रब करने की वजह से, फ्रिक्शन की वजह से इनके बीच में एक हीट जनरेट हुई। सपोज जो हीट जनरेट हुई वो हीट थी, सपोज थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं 10 जूल, ठीक है, समझने के लिए। अब ये दोनों अलग अलग मटेरियल के बने हुए, तो इनके अंदर जो एटम होंगे वो भी अलग अलग होंगे। अब मेटल के जो इलेक्ट्रॉन है, तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट का जो इलेक्ट्रॉन है और इसमें भी आउटर मोस्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन, तो दोनों के आउटर मोस्ट ऑर्बिट के जो इलेक्ट्रॉन हैं उनको बाहर निकलने के लिए कुछ ना कुछ एनर्जी चाहिए होती। कभी भी कोई एटम की जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन होता है, इस एटम को, ये इलेक्ट्रॉन हमेशा इस न्यूक्लियस के साथ कांटेक्ट में होता है, तो यहाँ पर इस इलेक्ट्रॉन को अगर बाहर जाना है तो कुछ ना कुछ एनर्जी चाहिए। उसको हम केमिस्ट्री में, आप उसको आयनाइजेशन एनर्जी बोल सकते हैं, ठीक है। तो उस तरह की जो एनर्जी, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होगा उस इलेक्ट्रॉन को, सपोज मैं मान लेता हूँ उस इलेक्ट्रॉन को सपोज 9 जूल एनर्जी चाहिए बाहर निकलने के लिए, और यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन है इसको चाहिए 11 जूल एनर्जी, ठीक है, थोड़ी देर के लिए मान लेते। अब होता क्या है, जो ये हीट जनरेट हुई है, ये हीट जो है इन दोनों के पास जाती है, थोड़ी कुछ हीट, 10 जूल हीट इधर भी जाएगी और 10 जूल हीट इधर। अब देखो यहां पर जो इलेक्ट्रॉन है, अगर 10 जूल हीट इसके पास जाएगी तो यहां से ये इलेक्ट्रॉन अब उस ऑर्बिट को छोड़ सकता है, क्योंकि यहाँ पर 9 जूल एनर्जी चाहिए, लेकिन और 9 जूल एनर्जी चाहिए और अवेलेबल है 10 जूल। लेकिन और अगर यहाँ गया तो इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए 11 जूल एनर्जी चाहिए लेकिन अवेलेबल है 10 जूल। इट मीन्स यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के इस बॉडी पर चला जाएगा, ठीक है। तो हीट की वजह से क्या होता है, ये हीट एक तरीके से आयनाइजेशन एनर्जी का काम कर जाती है, और वो इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से निकल के दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो जाता है। तो जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है वो बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है, और जिस बॉडी में इलेक्ट्रॉन जाता है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाती है। तो यहाँ पर ए जो होगा वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा और बी जो होगा वो नेगेटिवली चार्ज यहाँ पर हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जब किसी भी ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, और जब किसी बॉडी में इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाते हैं तो वो नेगेटिवली चार्ज होता है। अब जब हम रब करते हैं उस टाइम पर हमें ये नहीं सोचना होता है कि कौन सा पॉजिटिवली कौन सा नेगेटिवली, हम बस रब करते हैं तो उसमें एक पॉजिटिव हो जाता है और एक नेगेटिव हो जाता है। इसका एक एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊँ तो आपने देखा भी होगा, पेपर के जो पीसेज होते हैं, बहुत बहुत बेसिक सा एग्जाम्पल, पेपर के छोटे छोटे पीसेस कीजिए पीस, उसके बाद स्केल जो हमारे पास प्लास्टिक का स्केल या कॉम वगैरह होता है, उसको अगर हम ड्राई हेयर पर रब करके उन पीसेस के ऊपर रखते हैं तो वो पेपर के पीसेस अट्रैक्ट होना शुरू कर देते हैं, ठीक है। या फिर आपने एक और चीज़ देखा होगा, किसी बक्की बर्थडे पार्टी पर जब हमें डेकोरेशन करना होता है तो बलून्स जो होते हैं, तो बलून्स को ड्राई हेयर पर रब करते हैं और फिर हम वॉल या सीलिंग पर जो सीलिंग छत जो होती है उस पर चिपका देते हैं तो वो चिपक जाते हैं। तो वो किसकी वजह से चिपकते हैं, इसी चीज की वजह से वो चिपकते हैं। तो वो फ्रिक्शन की वजह से वहां पर बॉडीज में चार्ज आ जाता है, तो इस वजह से ये चीज यहां पर हो जाती है, ठीक है। तो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में क्या होता है, व्हेन टू बॉडीज आर रब विद ईच अदर देन ड्यू टू फ्रिक्शन वन देन ड्यू टू फ्रिक्शन वन बॉडी गेट्स पॉजिटिवली पॉजिटिव चार्ज एंड अनदर बॉडी गेट्स नेगेटिव चार्ज। तो इस तरह से एक बॉडी पॉजिटिव और एक बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो जाती है। आई होप आपको ये रीजन समझ में आया होगा। अब इसमें
क्वेश्चन जो बन सकता है कि भाई दो चीज़ें होती हैं, दो मटेरियल हैं, उनको आपस में रब करने की वजह से कौन सी चीज़ यहाँ पर पॉजिटिव होगी, कौन सी चीज़ नेगेटिव होगी। तो इसका भी छोटा सा एक आइडिया ले लेते हैं कि कौन सी चीज़ नेगेटिव होगी। तो इसके लिए एक सीरीज़ है, जो वो सीरीज़ मैं आपको बता देता हूँ, तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि कौन सा पॉजिटिव और कौन सा नेगेटिव बनने वाला है। देखिए दोस्तों, हमारे पास एक सीरीज़ है FGSSCW और ARED। यहाँ पर ये एक सीरीज दी हुई है जो मैंने, अब देखो, F का मतलब फर, G का मतलब ग्लास, S का मतलब सिल्क, H का मतलब हेयर, C का मतलब कॉटन, W का मतलब वुड, A का मतलब एम्बर, R का मतलब रबर, और ये एक याद रखने के लिए मैंने ऐसे बनाया हुआ है। अब इसमें क्या होता है कि जो लेफ्ट साइड में जो ऑब्जेक्ट मटेरियल है, उसको अगर किसी भी राइट साइड के मटेरियल के साथ अगर रब किया जाए, अगर इनमें से दो मटेरियल हम पिकअप करें, पिक करें, तो उनमें से एक लेफ्ट साइड वाला साइड होगा और एक राइट साइड होगा। तो जो लेफ्ट साइड वाला मटेरियल है, उसको अगर लेफ्ट साइड वाला जो मटेरियल है, उसको राइट साइड के मटेरियल के साथ अगर रब करते हैं, तो उनमें से जो लेफ्ट साइड होगा उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और जो राइट साइड होगा उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। जैसे कि मतलब कि इसमें सिंपल सा मीनिंग है कि अगर इस तरफ है तो इस साइड वाले पर पॉजिटिव होगा और इस तरफ वाले पर नेगेटिव होगा। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं आपको बोलूं कि इसमें से मैं फर और ग्लास लेता हूं, तो फर लेफ्ट साइड है, तो फर पर नेगेटिव चार्ज, सॉरी, फर पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और ग्लास पर नेगेटिव चार्ज आएगा। लेकिन ग्लास और सिल्क को अगर लेता हूँ, तो ग्लास पर पॉजिटिव चार्ज और सिल्क पर नेगेटिव चार्ज आएगा। इसी तरीके से सिल्क और हेयर की बात करें, तो सिल्क पर पॉजिटिव और हेयर पर नेगेटिव। सिमिलरली ग्लास और कॉटन की बात करें, तो ग्लास पर पॉजिटिव और कॉटन पर नेगेटिव चार्ज आएगा। तो ये एक छोटा सा आपको याद रखने का, ज़्यादा बहुत ज़्यादा आगे तक नहीं पूछा जाता, ये दो तीन चीज़ों तक ही इसमें कई बार पूछा जाता है। फर का मतलब जो डॉग और कैट के ऊपर जो हेयर होते हैं, उनको हम फर यहाँ पर बोल सकते हैं। अब एक और छोटी सी इंपॉर्टेंट बात इसमें, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में जब भी हम दो मटीरियल लेते हैं, उन दोनों मटीरियल में से एटलीस्ट वन मटीरियल शुड बी इंसुलेटर। जब दो मटीरियल हम यूज़ कर रहे हैं रब करने के लिए, ए और बी, तो इनमें से कोई एक मटेरियल इंसुलेटर होना चाहिए। अगर दोनों इंसुलेटर हैं तो भी अच्छी बात है, अगर दोनों में से एक इंसुलेटर है एक कंडक्टर है तो भी चलेगा, लेकिन अगर दोनों कंडक्टर हैं तो यहाँ पर चार्जिंग बाय फ्रिक्शन के थ्रू, मतलब फ्रिक्शन के थ्रू हम चार्जिंग नहीं कर सकते, ये आपको ध्यान रखना चाहिए होगा, ठीक है। तो इन दिस मेथड एटलीस्ट वन ऑब्जेक्ट शुड बी इंसुलेटर। अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूँ, तो एग्जाम्पल यहाँ पर जैसे अगर मान लीजिए फर प्लस ग्लास को अगर हम रब करते हैं, तो फर और ग्लास में से अगर हम बात करें, तो फर और ग्लास में से को रब किया जाए, तो फर पर कौन सा चार्ज आएगा और ग्लास पर कौन सा चार्ज आएगा। तो फर पर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और ग्लास पर यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा। ये मुझे कैसे पता चला, ये देखिए, फर और ग्लास, फर पर यहाँ पर पॉजिटिव, फर लेफ्ट साइड है, तो लेफ्ट साइड वाले मटेरियल पर पॉजिटिव आता है और राइट साइड वाले मटेरियल पर नेगेटिव आता है, तो फर पर पॉजिटिव और ग्लास पर नेगेटिव आएगा। अब देखिए, अगर डेफिनेशन यहाँ पर या इसके बारे में थोड़ा सा, कि व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स आर रब विद ईच अदर, वन ऑब्जेक्ट बिकम पॉजिटिव एंड अनदर ऑब्जेक्ट बिकम नेगेटिवली चार्ज। अब ये होता कैसे है कि एक ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरे ऑब्जेक्ट में चले जाते हैं, तो एक पॉजिटिवली जिसमें से रिमूव होते हैं उस वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है और दूसरा नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। तो इसकी कंडीशन आपको समझ में आ गई होगी। आइए नेक्स्ट मेथड पर देखते हैं। नेक्स्ट मेथड है चार्जिंग बाय कंडक्शन। देखिए, चार्जिंग बाय कंडक्शन में क्या होगा, डेफिनेशन या इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। व्हेन अ चार्ज बॉडी कम्स इन कॉन्टैक्ट विद न्यूट्रल कंडक्टर, देन न्यूट्रल कंडक्टर गेट्स सिमिलर चार्ज बाय ट्रांसफरिंग द चार्ज फ्रॉम चार्ज बॉडी टू अनचार्ज बॉडी, चार्ज टू अनचार्ज बॉडी। अब देखिए इसका मतलब क्या है, मान लीजिए हमारे पास एक न्यूट्रल कंडक्टर दिया हुआ है, इसको हमने एक इंसुलेटर स्टैंड पर लगा दिया है, ये यहाँ पर हमारे पास ये एक कंडक्टर है, न्यूट्रल कंडक्टर, और ये यहाँ पर हमारे पास इंसुलेटर है, ठीक है, ये न्यूट्रल कंडक्टर और ये इंसुलेटर है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको, इस न्यूट्रल कंडक्टर को के साथ एक बॉडी जो है, चार्ज बॉडी जो है, एक चार्ज बॉडी लेते हैं और इसके साथ हम कांटेक्ट में लेकर आते हैं, जिस पर पॉजिटिवली चार्ज है, नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है, पॉजिटिव चार्ज भी होता है। तब होता क्या है,
जब हम इस न्यूट्रल कंडक्टर के साथ एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को कांटेक्ट में लेकर आते हैं, इसे टच करवाते हैं, तो अब यहाँ पर क्या, न्यूट्रल बॉडी में एक्चुअल में होता क्या है, न्यूट्रल बॉडी में जितने अमाउंट में पॉजिटिव चार्ज होता है उतने ही अमाउंट में नेगेटिव चार्ज होता है, हमें पता है। पॉजिटिव 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 और उतना ही नेगेटिव 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 रहेगा। अगर यहाँ पर वन जितना नेगेटिव है उतना ही पॉजिटिव यहाँ पर रहेगा। अब जब यहाँ पर पॉजिटिव ये अब जैसे यहाँ पर पॉजिटिवली चार्ज बॉडीज के साथ कांटेक्ट में आई, तो इस पर इस न्यूट्रल बॉडी पर जितना भी नेगेटिव चार्ज होगा, अब नेगेटिव चार्ज यहाँ पर समझिए इलेक्ट्रॉन्स है और पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो एटम का बचाव है। किसी भी एटम से, कोई न्यूट्रल एटम से अगर एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है तो जितना चार्ज इलेक्ट्रॉन पर होता है उतना ही चार्ज उस बचे हुए एटम का बन जाता है, जिसको हम बाद में आयन बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम पॉजिटिव नेगेटिव लेके ही रेफर करेंगे। तो यहाँ पर जो न्यूट्रॉन जो नेगेटिव चार्ज है वो बेसिकली इलेक्ट्रॉन है। पॉजिटिव चार्ज एक चीज़ ध्यान में रखिए, समझने के लिए हम बोल सकते हैं कि मूव करते हैं, लेकिन पॉजिटिव चार्ज कभी मूव नहीं करेगा कंडक्टर में, कभी पॉजिटिव चार्ज मूव नहीं करता है। मूव सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह पर इलेक्ट्रॉन ही करता है, मतलब नेगेटिव चार्ज करता है। हाँ, कभी भी हमें अगर खुद को समझना हो तो हम पॉजिटिव चार्ज को भी मूवमेंट करवा के बोल सकते हैं। अब जैसे मैं यहाँ पर एक सिंपल सी लैंग्वेज में बात करूँ तो क्या होगा कि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज जो है वो मूव करके इधर आ जाएगा, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं हुआ है। हुआ क्या है, जो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज होगा वो सारा नेगेटिवली चार्ज इस पर अट्रैक्ट होगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज से पॉजिटिव तो क्या होगा, रिपल होगा, और नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट होकर इस पर आता जाएगा। तो इस बॉडी से, न्यूट्रल बॉडी से जितना भी कुछ कुछ नेगेटिव चार्ज, जरूरी नहीं पूरा चला जाए, कुछ नेगेटिव चार्ज जो कि इजीली जा सकता है वो इस पॉजिटिवली चार्ज बॉडी पर चला जाएगा, क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज बॉडी जो कंडक्टर है उसको नेगेटिव चार्ज यानी कि इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ से नेगेटिवली चार्ज अट्रैक्ट होता हुआ इसके पास चला जाएगा, तो इस न्यूट्रल बॉडी पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाएगी। सपोज यहाँ पर पहले अगर 5 इलेक्ट्रॉन्स थे और 5 पॉजिटिव चार्ज था और 5 ही नेगेटिव चार्ज था, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन कुछ पॉजिटिव चार्ज कुछ नेगेटिव चार्ज अगर इस पर गया तो इस पर पॉजिटिव चार्ज एक्सेस में हो जाएगा। तो इस तरीके से फाइनली जो ये बॉडी है, जब हम बाद में इसको हटा देते हैं, तो यहाँ पर ये बॉडी पर कौन सा चार्ज आ जाता है, एक्सेस में पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। अब ऐसा नहीं कि इस बॉडी पर नेगेटिव चार्ज नहीं, नेगेटिव है, लेकिन पॉजिटिव चार्ज का अमाउंट ज़्यादा है, ठीक है ना। तो इसलिए ये बॉडी कैसी हो जाएगी, पॉजिटिवली। मैं जब भी प्लस लिख रहा हूँ उसका मतलब है पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी ये हमारे पास इस पर आ जाएगी। तो ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी हमारे पास यहाँ आ जाएगी। इसी तरीके से अगर मान लीजिए इसकी जगह मैं एक नेगेटिव चार्ज को, नेगेटिवली चार्ज बॉडी को कांटेक्ट में लेकर आता तो क्या होता, देखिए अगर मान लीजिए एक न्यूट्रल बॉडी के साथ एक नेगेटिवली चार्ज बॉडी को कांटेक्ट करवाया जाए, तो इसके अंदर जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव है, इसलिए मैं अभी शो नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा कि नेगेटिव पॉजिटिव तो चल नहीं सकता, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करके इस तरफ आ जाएगा, है ना। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करके इस तरफ यहाँ पर इससे इस चार्ज बॉडी से इस कंडक्टर के ऊपर आ जाता है, तो इस बॉडी कंडक्टर पर पॉजिटिवली नेगेटिव चार्ज एक्सेस में हो जाता है, तो इस न्यूट्रल कंडक्टर को हम नेगेटिवली चार्ज बोल देते हैं। फिर थोड़ी देर बाद इसको हटा लेते हैं। अब ये भी एक माइंड में आ सकता है कि जब इस कंडक्टर से नेगेटिव चार्ज इधर गया तो इसका चार्ज तो खत्म हो गया होगा, नहीं ऐसा नहीं होता है, इस पर एक्सेस में बहुत ज़्यादा अमाउंट में नेगेटिव चार्ज है, तो कुछ अमाउंट में अगर इस पर चला भी गया तो भी इसका नेगेटिवली चार्ज खत्म नहीं होगा। मान लीजिए इसके पास 100 नेगेटिव चार्ज है, अब इसमें से और इस पर तो न्यूट्रल है, इस 100 में से अगर इसने इसको 10 नेगेटिव चार्ज भी दे दिया तो भी इसके पास 90 नेगेटिव चार्ज बचा, ठीक है। तो यहाँ पर ये बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। तो सिमिलरली जो फाइनली हमारे पास ये न्यूट्रल कंडक्टर जो होता है, ये नेगेटिवली चार्ज भी कंडक्टर की तरफ भी बिहेव कर सकता है। तो बाय कंडक्शन हम नेगेटिव और पॉजिटिवली चार्ज, अगर हम नेगेटिव चार्ज बॉडी को कांटेक्ट में लाएंगे तो नेगेटिवली चार्ज बॉडी बन जाएगी, और पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को कांटेक्ट में लाएंगे तो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी बन जाएगी। इस तरीके से हम चार्जिंग बाय कंडक्शन, तो कंडक्शन का मतलब ही होता है, नाम कंडक्शन क्यों है, क्योंकि यहाँ से चार्ज जो है कंडक्ट कर रहा है, और कंडक्शन मतलब चार्ज फ्लो किस में हो पाता है, कंडक्टर में ही फ्लो हो पाता है। तो न्यूट्रल बॉडी अगर इसकी जगह इंसुलेटर ले लिया जाता तो उसमें चार्ज फ्लो नहीं कर पाता है। यहाँ इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, तो इलेक्ट्रॉन सिर्फ
कंडक्टर में ही फ्लो कर पाता है। तो फ्लो की वजह से ही अगर इसकी जगह किसी इंसुलेटर के साथ कांटेक्ट में लाया जाता तो वहाँ पर ये चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाती, तो इसीलिए हम चार्जिंग बाय कंडक्शन इसको बोलते हैं। नेक्स्ट मेथड आता है हमारे पास चार्जिंग बाय इंडक्शन। देखिए थर्ड मेथड जो है चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन में क्या होता है कि कोई भी एक न्यूट्रल कंडक्टर लो, उस न्यूट्रल कंडक्टर के पास में अगर एक चार्ज बॉडी को काफ़ी क्लोज उसके ले जाते हैं तो क्लोज लाने पर न्यूट्रल कंडक्टर में एक तरफ पॉजिटिव चार्ज और एक तरफ नेगेटिव चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो इंडक्शन की वजह से उस बॉडी पर नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, या तो वो नेगेटिवली चार्ज हो जाती है या वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है। उस मेथड को हम चार्जिंग बाय इंडक्शन बोलते हैं। कैसे, आप ऐसे समझो कि सपोज मेरे पास यहाँ पर ये एक बॉडी है, इसके पास ये मेरे पास चार्ज बॉडी है, जो मेरे पास स्केच पेन है ये चार्ज बॉडी है, ये न्यूट्रल बॉडी है। एक तो अगर मैं इसके साथ कांटेक्ट करता हूँ तो ये हो गया चार्जिंग बाय कंडक्शन, तो इसमें से चार्ज इसमें चला जा रहा है। ये ब्लैक कलर की जो कैप है ये न्यूट्रल है, तो अगर ऐसे किया तो चार्जिंग बाय कंडक्शन। लेकिन मैं इसके बहुत ज़्यादा क्लोज, जितना हो सकता है उतना क्लोज लेके जा रहा हूँ, लेकिन मैंने इसके साथ कॉन्टैक्ट नहीं करवाया, तो इस फिर भी ये बॉडी, अगर ये बॉडी पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज बन जाती है तो उस मेथड को इंडक्शन बोलते हैं। अब ये कांटेक्ट में भी नहीं आई, फिर भी ये पॉजिटिव या नेगेटिवली चार्ज बन रही है, तो कैसे बन रही है उसको देखते हैं कि किस तरीके से सिचुएशन होती है। जब हम किसी चार्ज बॉडी को किसी न्यूट्रल कंडक्टर, ये हमेशा कंडक्टर है, इंडक्शन में भी हम कंडक्टर को ही यूज करते हैं। जब भी किसी चार्ज बॉडी को, अब ये पॉजिटिवली नेगेटिवली दोनों हो सकती है, तो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को अगर किसी कंडक्टर के पास लेकर जाते हैं, कांटेक्ट में नहीं लाते हैं और बहुत ज़्यादा क्लोज ले जाते हैं, तो इस पॉजिटिव चार्ज के अट्रैक्शन की वजह से जो नेगेटिव चार्ज है वो एक साइड एक्युमुलेट हो जाता है और जो बचा हुआ पॉजिटिव चार्ज है वो दूसरी साइड एक्युमुलेट हो जाता है। तो न्यूट्रल कंडक्टर में अभी भी इसमें जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है, तो अभी भी इस कंडक्टर का टोटल चार्ज जीरो ही है। इस कंडक्टर को पॉजिटिव या नेगेटिव कैसे बनाया जा सकता है? अगर इसमें से कुछ पॉजिटिव चार्ज कुछ नेगेटिव चार्ज या तो कम हो जाए या नेगेटिव चार्ज बढ़ जाए, तो अब यहाँ पर सिचुएशन क्या होती है कि ये कंडक्टर जो है इसके पास बहुत क्लोज रखा तो ये सारा नेगेटिव चार्ज इस तरफ एक्युमुलेट हो गया और रिपल्शन की वजह से सारा पॉजिटिव चार्ज इस तरफ एक्युमुलेट हो गया। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, इस कंडक्टर को, ये जो कंडक्टर दिया है इसको ग्राउंड कर देते हैं। अब जैसे ही हम इस कंडक्टर को ग्राउंड करते हैं तो ग्राउंड करने की वजह से क्या होता है, देखो ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव से रिपल हो रहा था। अब मैं पहले समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ कि एक्चुअल में क्या होता है वो तो अभी हम देखेंगे। तो पॉजिटिव ये पॉजिटिव के साथ रिपल होगा और नेगेटिव तो अट्रैक्ट होगा, तो ये रिपल होकर दूर जाता है। तो दूर जाते जाते अब इसको अगर ग्राउंड कर दिया, ग्राउंड करने का मतलब होता है उस कंडक्टर को हमने अर्थ के साथ कनेक्ट कर दिया है ना, अर्थ के साथ कनेक्ट कर दिया, या आप बोल सकते हो कि जीरो पोटेंशियल पर या मिनिमम पोटेंशियल पर हमने कनेक्ट कर दिया। तो अर्थ के साथ कनेक्ट करने से क्या होता है कि अर्थ में आप जितना चाहे चार्ज ले सकते हो और जितना चाहे चार्ज दे सकते हो, है ना, तो बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ चार्ज, सोर्स ऑफ चार्ज आप बोल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर ये चार्ज, पॉजिटिव चार्ज रिपल होगा और ये पॉजिटिव चार्ज रिपल होके इधर जाना शुरू कर देगा, तो ये सारा पॉजिटिव चार्ज रिपल्शन की वजह से इधर चला जाएगा, तो इस पर सिर्फ कौन सा चार्ज बच जाएगा, नेगेटिवली चार्ज बच जाएगा। अब एक्चुअल में समझने के लिए तो हमने समझ लिया कि जितना पॉजिटिव चार्ज था ये सारा इधर चला गया, तो यहाँ से पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा, नेगेटिवली चार्ज, तो ये इस पर नेगेटिव चार्ज बच गया। अब एक्चुअल में पॉजिटिव चार्ज कहीं नहीं जाता है, क्योंकि हमें एक चीज़, छोटी सी चीज़ हमेशा ध्यान में रखनी है, किसी भी कंडक्टर में पॉजिटिव चार्ज एक ही जगह रहता है, सिर्फ नेगेटिव चार्ज फ्लो करता है, आता जाता पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज ही है। तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, तो जैसे ही ग्राउंड से कनेक्ट करते हैं तो एक्चुअल में कहानी क्या होती है कि यहाँ से ग्राउंड से कुछ नेगेटिव चार्ज यानी कि कुछ इलेक्ट्रॉन इस कंडक्टर पर आ जाते हैं। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन इस कंडक्टर पर आएंगे तो इस कंडक्टर पर इलेक्ट्रॉन चार्ज एक्सेस में हो जाएगा, क्यों, पहले तो जितने पॉजिटिव थे उतने ही नेगेटिव थे, लेकिन यहाँ पर अर्थ से कनेक्ट करने की वजह से कुछ नेगेटिव चार्ज जो है, कुछ इलेक्ट्रॉन ग्राउंड से इस कंडक्टर पर आ गए, तो यहाँ पर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा। तो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से यहाँ पर ये कंडक्टर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इस कंडक्टर पर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज एक्सेस में आ जाएगा। थोड़ी देर हम अब यहाँ पर थोड़ी देर तक हम
तो इससे हुआ क्या कि यहाँ से ये पॉजिटिव चार्ज इधर सोच लो और ये नेगेटिव चार्ज यहाँ से इलेक्ट्रॉन इस पर, तो इस पर नेगेटिव चार्ज एक्सेस में आ गया। ये जो मैंने रेड कलर से शो किया है, तुम इसे समझना कि ये नेगेटिव चार्ज कहाँ से आया, अर्थ से। थोड़ी देर बाद हम क्या करते हैं, इस अर्थ को डिसकनेक्ट कर, थोड़ी देर बाद हम क्या करते हैं, इस ग्राउंड को इस यहाँ से डिसकनेक्ट कर देते हैं, लेकिन इस कंडक्टर को यहाँ ही पे रखते हैं, डिसकनेक्ट कर दिया। अब मैंने ये रेड रेड का मतलब ये मत समझना कुछ अलग से कोई नए टाइप का इलेक्ट्रॉन, बस ये शो करना चाह रहा हूँ कि ये इलेक्ट्रॉन्स ग्राउंड से आए हैं। तो यहाँ पर इस कंडक्टर पर एक्सेस में इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तो ये नेगेटिवली चार्ज हो गया। अब अर्थ तो हटा ही दिया। अब जैसे ही यहाँ से हम इस कंडक्टर को रिमूव करेंगे, जैसे ही इस कंडक्टर को यहाँ से हम हटाएंगे, तो ये नेगेटिव चार्ज वापस नीचे जाना चाहेगा, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव के अट्रैक्शन की वजह से ही ऊपर आया था। तो जैसे ही आप हटाओगे तो ये अपनी अपनी जगह पर, ये तो चलो पहले से ही था, लेकिन ये रेड कलर का जो नेगेटिव चार्ज है वापस ग्राउंड में जाना चाहेगा, लेकिन ग्राउंड में जा नहीं पाएगा क्योंकि यहाँ से अर्थ को हटा दिया गया है। तो जैसे ही अर्थ को हटाया तो यहाँ से कम हो गया, तो इसका मतलब अब इस बॉडी पर एक ये जो अर्थ से नेगेटिव चार्ज आया था वो ट्रैप हो चुका है। तो यहाँ पर ये बॉडी कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव नेगेटिवली चार्ज बॉडी हो जाएगी। तो जैसे हम इसको रिमूव करते हैं, जैसे ही हम इस अर्थ को रिमूव करते हैं, तो यहाँ पर ये बॉडी कैसी हो जाती है, नेगेटिवली चार्ज। अब उसी तरीके से नेगेटिव के साथ भी किया जा सकता है कि अगर मान लीजिए यहाँ पर नेगेटिव चार्ज होता तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज एक्युमुलेट होता, इधर नेगेटिव चार्ज एक्युमुलेट होता, सेम अर्थ करते तो यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज होता, यहाँ पर कौन सा चार्ज, अगर ये नेगेटिव होता तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज रिपल होता, और ये नेगेटिव चार्ज इधर जाता तो यहाँ पर फिर ये फाइनली इस पर क्या आ जाता, पॉजिटिव चार्ज आ जाता। तो चार्जिंग बाई इंडक्शन में हमने कांटेक्ट नहीं किया, जो भी चार्ज आया बॉडी पर वो किसकी वजह से आता है, पॉजिटिव अर्थ से यहाँ पर आया, तो बॉडी यहाँ पर पॉजिटिवली या नेगेटिवली हो जाती है। अब इसी तरीके से एक और तरीका है, इसी में एक और मेथड के थ्रू चार्जिंग बाय इंडक्शन में भी एक और तरीका होता है जिसमें हम बॉडी को पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एक साथ बना सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, जल्दी से उसको भी देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, अगला तरीका क्या हो सकता है, यहाँ पर दो कंडक्टर हमने लिए, एक कंडक्टर हम ए बोल देते हैं, एक कंडक्टर बी बोल देते हैं। दोनों कंडक्टर को आपस में कॉन्टेक्ट में रखा, फिर हम एक नेगेटिव पॉजिटिवली चार्ज ऑलरेडी चार्ज कंडक्टर इसके साथ कॉन्टेक्ट में, बिना कॉन्टेक्ट मिला इसके काफ़ी क्लोज लेकर आए, बी कंडक्टर के काफ़ी क्लोज लेकर आए। तो ऑब्वियस ही बात है कि पॉजिटिव के अट्रैक्शन की वजह से इस बी कंडक्टर का नेगेटिव चार्ज जो है इसके एक तरफ एक्युमुलेट हो जाएगा राइट साइड, और इसका भी जो नेगेटिव चार्ज है वो भी इससे अट्रैक्ट होगा, तो ये इधर ट्रांसफर हो। अब ये यहाँ से इसका जो नेगेटिव चार्ज है वो ट्रांसफर होके इधर आ सकता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर कंडक्टर और कंडक्टर में चार्ज ट्रांसफर, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर सकता है, नेगेटिव चार्ज फ्लो कर सकता है। तो इस ए कंडक्टर का भी जो पॉजिटिव चार्ज है, इस ए कंडक्टर का भी जो नेगेटिव चार्ज है वो इधर ट्रांसफर हो जाएगा और इसका पॉजिटिव चार्ज इधर ट्रांसफर हो जाएगा। तो इन दोनों का टोटल चार्ज, टोटल जितना भी नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज होगा, तो सारा नेगेटिव चार्ज इस तरफ एक्युमुलेट हो गया और जितना भी पॉजिटिव चार्ज था वो इस तरफ एक्युमुलेट हो गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा बहुत कॉशियसली हम इन दोनों के, सावधानी पूर्वक हम इन दोनों के बीच में थोड़ा सा गैप बना देते हैं। ठीक है, अब होता क्या है, देखो तुम ऐसे समझ लो, मान लीजिए कि यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव किससे, पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव अट्रैक्ट होके इसका भी इधर आ गया, इसने सोचा कि इधर चलो चलो। अब हम थोड़ा सा यहाँ पर ट्रिक यूज करते हैं, थोड़ा सा बेवकूफ बनाते हैं चार्जों को, चार्ज को हम थोड़ा बेवकूफ बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, हमने क्या किया, दोनों के बीच में थोड़ा सा गैप बना दिया, बहुत थोड़ा सा गैप बना दिया। तो यहाँ पर जो ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इस नेगेटिव चार्ज को, तो इस ना तो इस नेगेटिव चार्ज को इसका पता लगने दिया हमने, ना ही इस पॉजिटिव चार्ज को इसका पता लगने दिया कि इन दोनों के बीच में कुछ गैप बन चुका है। अब यहाँ पर ये जो पॉजिटिव चार्ज बॉडी है ये पहले से यहाँ पर रखी हुई है, तो ये नेगेटिव चार्ज अभी भी इसके साथ अट्रैक्शन में है, ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को अभी भी देख रहा है कि हाँ हाँ ये इधर ही है, चलो कोई बात नहीं, और ये पॉजिटिव चार्ज इससे दूर दूर है ना। तो यहाँ पर ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव दोनों के बीच में अट्रैक्शन है, तो ये इधर ही है और ये इस तरफ ही है। अब थोड़ा सा, अब यहीं पर हमारा खेल शुरू हो जाता है, हम क्या कर देते हैं इस सिचुएशन में, जैसे इनके बीच में गैप हो गया, अभी सारा नेगेटिव इधर है और सारा
यहाँ पर हम इस नेगेटिव चार्ज की बात करें तो यहाँ पर जैसे ही नेगेटिव चार्ज जो ये पॉजिटिव इसको हम थोड़ा सा जैसे ही रिमूव करेंगे तो अभी ये नेगेटिव चार्ज इसी के साथ कांटेक्ट में, मतलब ये इसी को देख रहा है और ये नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज इससे बड़ी दूर है। अब थोड़ी देर बाद अगली स्टेप में हम क्या करते हैं, इस पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को हटा देते हैं। तो जैसे ही हम पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को हटाएंगे, अब जैसे हमने पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को हटाया तो ये नेगेटिव चार्ज वापस, ये जो ए का जो नेगेटिव चार्ज है वो बी से ए में जाना चाहेगा और ए का पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज बी में जाना चाहेगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही जाना चाहेगा तो बीच में तो कोई कांटेक्ट है ही नहीं, तो कांटेक्ट नहीं है तो ये मूव नहीं कर सकता। तो इसी तरह हमने यहाँ पर इसको बेवकूफ़ बनाया और ए पर जितना चार्ज था वो सारा ए पर पूरा पूरा पॉजिटिव चार्ज बना दिया और बी पर पूरा पूरा नेगेटिव चार्ज बना दिया। तो इस तरीके से भी हम एक बॉडी को पॉजिटिवली चार्ज और दूसरी बॉडी को नेगेटिवली चार्ज बना सकते। तो इंडक्शन के इस मेथड में हम दो बॉडी को एक साथ पॉजिटिव या नेगेटिव बना सकते हैं। अगर इसकी जगह नेगेटिवली बॉडी लेकर आते तो ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाता, बी और ए नेगेटिवली चार्ज हो जाता। इससे पहले वाला जो मेथड था, इस मेथड में जिस टाइप का हम पॉजिटिवली चार्ज बॉडी लेकर आते हैं तो जो न्यूट्रल कंडक्टर होता है वो नेगेटिवली चार्ज बन जाता है, और अगर नेगेटिवली चार्ज बॉडी लेकर आएंगे तो वो पॉजिटिवली चार्ज बन जाएगा। आई होप आपको तीनों मेथड समझ में आए होंगे, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन एंड चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में बस आपको ये ध्यान रखना है कि दो मटीरियल्स में से एटलीस्ट वन मटीरियल शुड बी इंसुलेटर, एक मटेरियल इंसुलेटर होना चाहिए। बाकी जो मटेरियल है, एक कंडक्टर एक इंसुलेटर है तो भी चल जाएगा, दो इंसुलेटर हैं तो फिर वो काम नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ को आपको बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना है। तो आइए अगले टॉपिक पर आते हैं। अगला टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, चार्ज की क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के बारे में। कोई भी ऑब्जेक्ट पर जो चार्ज होगा तो उसकी क्या क्या यहाँ पर हम रूल्स देख सकते हैं कि किस तरह से चार्ज की प्रॉपर्टी। तो सबसे पहली बात, तो चार्ज एक तरह की फिजिकल क्वांटिटी है। क्यों फिजिकल क्वांटिटी का मतलब ऐसी चीज जिसको मेजर किया जा सके। तो यहाँ पर हम चार्ज को किसी तरीके से मेजर कर सकते हैं तो वो एक फिजिकल क्वांटिटी। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी जो इसकी आती है वो यहाँ पर हमारे पास है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी यहाँ पर है चार्ज जो है स्केलर क्वांटिटी है। तो चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी है मतलब इसकी डायरेक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कोई बॉडी है इस पर, कोई ए बॉडी है, अगर इस पर 10 माइक्रोकुलम चार्ज है तो अगर ये लेफ्ट साइड में जा रही है तो भी 10 माइक्रोकुलम रहेगा, राइट साइड में होगा तो भी 10। मतलब इस चार्ज के इफेक्ट को अगर हमें बताना है तो चार्ज के साथ हमें चार्ज की डायरेक्शन बताने की जरूरत नहीं है कि हमने किस डायरेक्शन पर इस पर चार्ज लेकर आया। तो चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है। सेकेंड प्रॉपर्टी जो हो जाएगी, चार्ज अगर स्केलर क्वांटिटी है तो ये एडिटिविटी को भी शो करती है। तो एडिटिविटी ऑफ चार्ज एडिटिविटी ऑफ चार्ज का मीनिंग क्या होता है कि अगर हम किसी बॉडी पर ऑलरेडी, सपोज एक बॉडी ए है, इस पर हमने 10 माइक्रोकुलम प्लस का 10 माइक्रोकुलम चार्ज दिया। अब थोड़ी देर बाद मैंने इस पर एक 5 माइक्रोकुलम पॉजिटिव का 5 माइक्रोकुलम चार्ज होल ट्रांसफर कर दिया। तो इस बॉडी पर टोटल चार्ज जो हो जाएगा, यहाँ पर क्यू में चार्ज को अमाउंट को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो टोटल चार्ज यहाँ हो जाएगा 10 प्लस 5। तो हम डायरेक्टली यहाँ पर ऐड कर सकते हैं 15 माइक्रोकुलम। तो जो भी स्केलर क्वांटिटी होती है वो एडिटिविटी को भी शो करती है कि अगर किसी बॉडी पर 10 माइक्रोकुलम कुछ चार्ज ऑलरेडी है और दूसरा कोई चार्ज दिया तो वो ऐड हो जाएगा। अगर पॉजिटिव की जगह नेगेटिव चार्ज दिया होता, सपोज यहाँ पर 10 माइक्रोकुलम और ये माइनस का 4 माइक्रोकुलम होता, तो फाइनल अमाउंट जो हमारे पास बनता 10 माइनस 4 मतलब 6 माइक्रोकुलम यहाँ पर हो जाता। तो यहाँ पर जो चार्ज है उसको हम डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। अगली प्रॉपर्टी पर आते हैं। अगली प्रॉपर्टी है लाइक चार्जेस जो होते हैं वो रिपल करते हैं और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। लाइक चार्जेस और अनलाइक चार्जेस का मतलब क्या है, अगर दो सेम टाइप के, जैसे एक बॉडी ए दी हुई है, ये अगर पॉजिटिवली नेगेटिवली चार्ज है, और अगर एक बी बॉडी है ये भी नेगेटिवली चार्ज है,
तो ये दोनों लाइक चार्जेस हो गए। अगर एक बॉडी ए और बी दोनों अगर पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज होते तो ये लाइक चार्ज है। तो दो एक जैसे अगर दो बॉडीज हैं जिन पर एक जैसा टाइप एक ही टाइप का चार्ज है, मैं अमाउंट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ नेचर की बात कर रहा हूँ, तो दो बॉडीज पर अगर सेम टाइप का चार्ज है तो वो दोनों रिपल होंगी, ठीक है ना। रिपल क्यों होंगी इसका भी मैं रीजन छोटा सा आपको समझाऊंगा। और अगर दो अपोजिट टाइप की बॉडीज हैं, अपोजिट एक पॉजिटिवली चार्ज है और एक नेगेटिवली चार्ज है, तो वो दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट होगी। तो अपोजिट चार्ज हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और सेम टाइप के चार्ज हमेशा एक दूसरे को रिपल करते हैं, ठीक है। अब सेम टाइप के चार्ज एक दूसरे को रिपल क्यों करते हैं? क्योंकि अगर सेम टाइप के चार्ज को अगर एक साथ लाया जाए तो उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, अनस्टेबल हो जाएंगे दोनों को मिलाने पर। और कोई भी बॉडी स्टेबिलिटी में रहना चाहती हो, स्टेबिलिटी तब आती है जब एनर्जी कम हो। तो जब भी दो एक जैसे चार्जेस को काफ़ी क्लोज लेकर आया जाता है तो उनकी वो अनस्टेबल हो जाता है, और जो अलग अलग टाइप के चार्जेस को अगर पास लाया जाए तो वो स्टेबिलिटी को अचीव करते हैं। क्यों? क्योंकि देखो नेगेटिव पॉजिटिव साथ मिलकर अगर रहते हैं किसी जगह पर सेम अमाउंट में तो वो एक एक तरह से एटम इसलिए स्टेबल रहेगा ज़्यादा। क्यों? क्योंकि उस पर पॉजिटिव नेगेटिव सेम। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। अब एक छोटी सी चीज़ जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है जिससे कई बार क्वेश्चन भी बन सकता है, पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को रिपल करेंगे, नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को रिपल करता है, लेकिन कई बार ऐसा भी हो सकता है अब और नेगेटिव पॉजिटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन कई बार एक चार्ज बॉडी एक अनचार्ज बॉडी को भी अट्रैक्ट कर सकती है, ठीक है। एक चार्ज बॉडी एक अनचार्ज बॉडी को भी अट्रैक्ट कर सकती है। देखो इसका मतलब क्या है। मान लीजिए आपको बोला जाए कि एक बॉडी है ए और एक बॉडी है बी। ए और बी दो हमारे पास दो अलग अलग बॉडीज यहाँ पर दी हुई है। ए और बी को अगर क्लोज लेकर आते हैं तो ये एक दूसरे को रिपल करती है। अगर ए और बी को क्लोज लेकर आया और ये दोनों एक दूसरे को रिपल करती है, ये दोनों एक दूसरे को रिपल करते हैं, तो हमें पता लग जाएगा कि इस पर ए पर भी जो चार्ज जिस टाइप का चार्ज ए पर है सेम टाइप का चार्ज बी पर है। ये नहीं पता चलेगा कि ए पर नेगेटिव है या पॉजिटिव, हाँ लेकिन ये जरूर पता लग जाएगा कि ए पर पॉजिटिव है तो बी पर भी पॉजिटिव होगा, और ए पर नेगेटिव है तो बी पर भी नेगेटिव होगा। मतलब इससे हम एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि नेचर ऑफ ए नेचर ऑफ ए इक्वल्स टू नेचर ऑफ बी। चार्ज के रेफरेंस में मैं यहाँ बात कर रहा हूँ, अगर ए पर पॉजिटिव है तो बी पर भी पॉजिटिव होगा, ए पर नेगेटिव है पर बी पर भी नेगेटिव होगा। लेकिन अब अगर मान लीजिए अगर ए और बी एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, दोनों को हम क्लोज लेकर आए और ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, तो अट्रैक्ट करने पर तो एक सबसे पहले जो हमारे पास कंक्लूजन निकल कर आता है, इससे क्या कंक्लूजन हम निकाल सकते हैं? सबसे पहली चीज हम सोचेंगे कि ए और बी दोनों ए पर अगर पॉजिटिव है तो बी पर नेगेटिव हो सकता है। मतलब अगर ए और बी की बात करें तो ए पॉजिटिव हो सकता है या बी नेगेटिव हो सकता है, या फिर ए नेगेटिव हो सकता है बी पॉजिटिव हो सकता है। लेकिन बट यहाँ पर एक और सिचुएशन हो सकती है, अगर ए पर जीरो चार्ज है और बी पर नेगेटिव चार्ज है, या ए पर जीरो चार्ज और बी पर पॉजिटिव चार्ज है। मतलब अगर एक बॉडी न्यूट्रल है और दूसरी बॉडी चार्ज है तो भी अट्रैक्शन हो सकता है। तो यहाँ पर एक्चुअल में तो जब भी दो बॉडीज के बीच में अट्रैक्शन होता है तो हम श्योरली नहीं बोल सकते कि उनमें दोनों बॉडीज चार्ज होंगी, लेकिन अगर दो बॉडीज के बीच में रिपल्शन होगा तो यहाँ पर हम श्योरली बोल सकते हैं कि एक बॉडी अगर पॉजिटिवली चार्ज है तो डेफिनेटली दूसरी बॉडी भी पॉजिटिवली चार्ज होगी। मतलब दोनों बॉडीज अगर रिपल कर रही है तो 101% वो दोनों बॉडीज आपस में वो दोनों बॉडी चार्ज्ड ही होगी। लेकिन अगर दो बॉडीज एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है तो उसमें से हो सकता है एक बॉडी चार्ज हो और एक बॉडी चार्ज ना हो, यानी कि एक बॉडी पॉजिटिवली और दूसरी नेगेटिवली होगी तो भी अट्रैक्शन हो सकता है। लेकिन अगर एक पर पॉजिटिव चार्ज है और दूसरे पर कोई चार्ज नहीं है, या एक पर नेगेटिव चार्ज है और दूसरे पर कोई चार्ज नहीं है, तो भी दोनों के बीच में अट्रैक्शन हो सकता है। इसीलिए रिपल्शन को हम श्योर वेरिफिकेशन कंसिडर करते हैं
कि किसी भी बॉडी पर ये चेक करना हो कि वो बॉडी चार्ज है या नहीं। तो चार्ज्ड बॉडी का रिपल्शन जो है, रिपल्शन इज द श्योर वेरिफिकेशन ऑफ चार्ज्ड बॉडी। तो अगर कोई बॉडी चार्ज्ड है या नहीं है, तो रिपल्शन अगर हो रहा है तो आप 101% बोल सकते हो कि दोनों बॉडीज जिनके बीच में रिपल्शन हो रहा है वो चार्ज होगी ही होगी। लेकिन अट्रैक्ट अगर हो रही है तो आप श्योरली नहीं बोल सकते, ठीक है। अब एक्चुअली अगर एक चार्ज बॉडी चार्ज है और दूसरी बॉडी चार्ज नहीं है तो अट्रैक्ट कैसे हो रही है, उसको मैं थोड़ा सा सिचुएशन आपको थोड़ी सी समझा देता हूँ। एक्चुअल में क्या होता है, एक्चुअल में क्या होगा, किसी चार्ज बॉडी के पास अगर कोई न्यूट्रल बॉडी भी पड़ी है, बहुत क्लोज होनी चाहिए, सबसे पहले इन दोनों के बीच की डिस्टेंस काफ़ी कम होनी चाहिए, तभी एक चार्ज बॉडी एक अनचार्ज बॉडी को अट्रैक्ट कर सकती है ना। अगर हम चाहते हैं कि एक चार्ज बॉडी एक अनचार्ज बॉडी को अट्रैक्ट करे, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस काफ़ी कम होनी चाहिए, तभी ऐसा हो सकता है। अगर दोनों एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, तो ऑब्वियसली थोड़ी डिस्टेंस पर रखोगे तो अट्रैक्ट हो जाएगी। अब जब एक चार्ज बॉडी को अनचार्ज बॉडी के पास रखते हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज इधर अट्रैक्ट हो जाएगा और कुछ पॉजिटिव इधर आ जाएगा। अब ये पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव पर भी फोर्स लगाएगा अट्रैक्शन वाला, ये अभी हम आगे वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। तो थोड़ी देर के लिए ये समझ लो, इस पॉजिटिव ये नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा इस पर F1, और ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को रिपल करेगा F2। अब क्योंकि इस पॉजिटिव और इस पॉजिटिव के बीच के डिस्टेंस ज़्यादा है और इस पॉजिटिव और इस नेगेटिव के बीच के डिस्टेंस कम है, तो यहाँ पर F1 की वैल्यू ज़्यादा होगी और F2 की वैल्यू कम होगी। F1 की वैल्यू ज़्यादा होगी, F2 की वैल्यू कम होगी, तो ये दोनों आपस में, ये फोर्स कम और ये फोर्स ज़्यादा, तो ये बॉडी किधर अट्रैक्ट हो जाएगी, तो ये इस तरफ अट्रैक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये बेसिक सा रीज़न होता है कि अनचार्ज बॉडी भी चार्ज बॉडी से क्यों अट्रैक्ट हो जाती है। यही रीज़न है कि जब आप पेपर के छोटे छोटे पीसेस करके उसको स्केल के थ्रू करते हो, रब करते हो, तो स्केल को जब हम रब करते हैं इस पर, तो स्केल पर कोई एक टाइप का चार्ज आ जाता है, और उसको जब आप पेपर के पीसेस के पास लेकर जाते हो, तो पेपर के पीसेस बहुत क्लोज जाने पर ही अट्रैक्ट होते हैं। तो वह इसी वजह से, क्योंकि उन पर चार्ज इंड्यूस हो चुका होता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर एक जो प्रॉपर्टी हमने पढ़ी, थर्ड प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम देखते हैं, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अगली प्रॉपर्टी है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को एक बहुत सिंपल से एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास दो बॉडीज हैं, ए बॉडी और एक और बॉडी है बी बॉडी, ठीक है। हम मान लेते हैं कि इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन है 10 और इस पर प्रोटॉन भी है 10, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है 8 और प्रोटॉन भी है यहाँ पर 8। अभी टोटल नंबर ऑफ चार्ज, ए पर भी टोटल चार्ज 0 है, बी पर भी टोटल चार्ज 0 है, अगर टोटल चार्ज की बात करेंगे तो वो 0 ही रहेगा। अब बात आती है कि अगर हम टोटल इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स 18 है, और टोटल प्रोटॉन की बात करें तो टोटल प्रोटॉन्स भी 18 है। अब चार्जिंग बाय, अब मान लीजिए हमने इन दोनों को आपस में रब किया, रब करके हमने इनमें से एक इंसुलेटर था, तो रब करके हमने इनको अगर चार्ज किया, तो इनमें से एक कंडक्ट, एक इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरे इलेक्ट्रॉन, एक ए से इलेक्ट्रॉन सपोज बी पर चला गया, तो आफ्टर चार्जिंग या आफ्टर चार्जिंग क्या हुआ, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, सपोज एक निकल के इधर चला गया, तो यहाँ 9 हो गए, और प्रोटॉन तो कम होंगे ही नहीं, तो ये 10 रहेंगे, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो बढ़कर 9 हो गए, और प्रोटॉन का नंबर अभी भी 8 है। तो अब देखो, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफ़र हो गया, एक इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफ़र अगर हो जाता है, तो यहाँ पर 9 इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे, और यहाँ पर अब बेसिकली यहाँ 9, तो ये पॉजिटिवली चार्ज बन गया, और यहाँ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए, तो ये नेगेटिवली चार्ज बन गया। अब लेकिन अभी भी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इस सिचुएशन भी में भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 18 ही है और नंबर ऑफ प्रोटॉन 18 ही है। अब देखो इसका मतलब दोनों सिचुएशन में चार्जिंग बन करने के बाद भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन न तो कम हुए, न इंक्रीज हुए, न डिक्रीज हुए, और ये जो चार्ज होता है ये किसकी वजह से होता है, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की वजह से होता है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों का ही नंबर डिक्रीज नहीं किया, मतलब ओवरऑल अगर दोनों को कंबाइन देखा जाए, तो ए और बी को कंबाइन करके अगर देखा जाए, इस पूरे ए और बी को पूरे को सिस्टम में देखा जाए, तो ए और बी का टोटल चार्ज कंजर्व ही है। अभी भी टोटल चार्ज, अगर ए और बी का कंबाइंड टोटल चार्ज देखा जाए, तो 0 होगा, और इस सिचुएशन में भी टोटल चार्ज 0 ही है। तो यहाँ पर भी टोटल इलेक्ट्रॉन्स
यहाँ पर 10 प्लस 8 है और यहाँ पर टोटल इलेक्ट्रॉन 9 प्लस 9 है, तो चार्ज ट्रांसफर हो गया। तो इसी तरीके से पूरे यूनिवर्स में जब एक बॉडी को चार्ज करते हैं और दूसरी बॉडी को एक बॉडी को किसी भी बॉडी को चार्ज करते हैं, तो उस बॉडी पर जो चार्ज है वो किसी ना किसी बॉडी से आया होता है। तो ओवरऑल यूनिवर्स का जो चार्ज हमेशा रहेगा वो कंजर्व रहेगा, या हम बोल सकते हैं कि किसी भी चार्ज बॉडी, कोई भी चार्ज अगर रहेगा तो वो चार्ज हमेशा आइसोलेटेड सिस्टम में चार्ज हमेशा कंजर्व रहेगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी, चार्ज कंजर्व हमेशा रहता है किसी भी आइसोलेटेड बॉडी का, या पूरे यूनिवर्स का चार्ज हमेशा कंजर्व रहेगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर आते हैं। फिफ्थ नंबर की जो प्रॉपर्टी है वो क्या होगी कि चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट, ये WO जो मैंने लिखा है इसका मतलब विदाउट है, ये वाइफ ऑफ नहीं है। ठीक है, तो ध्यान रखना यहाँ पर WO जो मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है इसका मीनिंग है विदाउट। तो चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, बट मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज। बेसिक सा मीनिंग ये है, क्योंकि चार्ज कोई प्रॉपर्टी, चार्ज एक प्रॉपर्टी है जो कि किसी पार्टिकल पर हो सकती है। तो अगर पार्टिकल होगा ऑब्वियसली तो उसका मास होगा, तो मास अगर है तो ही चार्ज हो सकता है। लेकिन अगर कोई पार्टिकल एग्जिस्ट ही नहीं करता तो उस पर चार्ज एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो चार्ज अगर किसी बॉडी पर है तो उस बॉडी का मास जरूर होगा, और किसी बॉडी पर, ठीक है, तो चार्ज बिना बॉडी के मास एग्जिस्ट नहीं कर सकता, बिना मास के एग्जिस्ट नहीं कर सकता, लेकिन बिना बिना चार्ज के मास एग्जिस्ट जरूर कर सकता है, बिना चार्ज के मास जरूर एग्जिस्ट कर सकता है, जिसका बहुत अच्छा एग्जांपल है न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन जो होता है, न्यूट्रॉन मास होता है लेकिन उस पर चार्ज नहीं है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है और मास भी है। ठीक है, तो बेसिक सा मीनिंग है कि कोई बॉडी है, उस अगर बॉडी है तो चार्ज हो सकता है, और अगर बॉडी ही नहीं है तो चार्ज नहीं होगा। ठीक है, अगला आता है इनवेरिएंट। अगला जो बनता है ये है इनवेरिएंट ऑफ मोशन। इनवेरिएंट ऑफ मोशन का मतलब क्या है, मान लीजिए हमारे पास एक बॉडी है ए, इस पर 10 माइक्रोकुलम चार्ज है। अगर ये रेस्ट पर है तो भी इसका चार्ज 10 माइक्रोकुलम होगा। अब अगर मान लीजिए ये मोशन में है, 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से अगर ये चल रहा है तो भी इसके पर जो प्रेजेंट चार्ज होगा वो 10 माइक्रोकुलम ही होगा। तो ये 10 माइक्रोकुलम है तो इस पर भी, तो चार्ज बॉडी, अगर कोई भी चार्ज बॉडी है तो उसको अगर मूव करवाते हैं तो मूव करवाने की वजह से उसमें कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा, उसमें कोई चार्ज में की वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास एक और प्रॉपर्टी हो जाती है। चलिए आइए नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर देखते हैं। देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर हम थोड़ी सी एक छोटी सी बात और करते हैं। अगर हमारे पास तीन ऑब्जेक्ट्स हैं, ए नेगेटिवली चार्ज है, बी न्यूट्रल है और सी पॉजिटिवली चार्ज है, तो जब भी हम न्यूट्रल बॉडी की बात करते हैं तो न्यूट्रल बॉडी का पर जितना अमाउंट पॉजिटिव होता है उतना ही अमाउंट नेगेटिव होता है। अब अगर मान लीजिए हमने ए बॉडी को नेगेटिवली चार्ज किया, तो ए बॉडी को नेगेटिवली चार्ज किया इसका मतलब हमने इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स ऐड किए होंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स जब ऐड किए तो उसकी वजह से ये नेगेटिवली चार्ज हुआ, तो इलेक्ट्रॉन ऐड करने की वजह से इस पर कुछ मास भी है। अब वैसे तो इलेक्ट्रॉन का मास बहुत ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन हम अगर एब्सोल्यूट फॉर्म में देखें तो नेगेटिव चार्ज आया तो उसके साथ मास भी तो आया होगा, क्योंकि चार्ज सिर्फ अकेला एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो जैसे ही हमने इस पर कुछ, अगर हमने 10 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर दिए तो इसका मतलब यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन ऐड किए तो यहाँ पर थोड़ा मास इसका इंक्रीज हो चुका होगा। इसी तरह से अगर मान लीजिए मैंने सी बॉडी को पॉजिटिवली चार्ज बनाया है तो यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन हमने निकाले होंगे, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन निकाले हैं न्यूट्रल ए बी को अगर मैंने सी में पॉजिटिवली बनाया है तो इलेक्ट्रॉन निकाले तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन, जितने इलेक्ट्रॉन निकले होंगे उनके साथ कुछ अमाउंट में मास भी कम हो गया होगा। इसमें इट मीन्स हमें एक चीज़ समझ में आती है कि जो नेगेटिवली चार्ज बॉडी है उसका मास ज़्यादा होगा उससे कम न्यूट्रल बॉडी का, और सबसे कम पॉजिटिवली चार्ज बॉडी का। तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि नेगेटिवली चार्ज बॉडी का मास सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद न्यूट्रल बॉडी, देन उसके बाद सबसे कम होता है पॉजिटिवली चार्ज बॉडी का मास। ठीक है, तो ये चीज़ हमें यहाँ पर बहुत छोटी सी प्रॉपर्टी है, तो ये हमें ध्यान रखनी है। ठीक है, चलिए लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी पर आते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है सबसे इम्पोर्टेंट, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्वांटा से मिलकर बना हुआ है, तो क्वांटा का मतलब होता है सबसे छोटा अमाउंट।
जिसके अलावा आगे चीज को डिफरेंट मतलब डिवाइड नहीं किया जा सकता। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का बेसिकली मीनिंग क्या है, अब मैं आपको एक छोटी सी चीज समझाता हूँ। मान लीजिए हमारे पास एक बॉडी है, एक न्यूट्रल बॉडी है, ठीक है। इस न्यूट्रल बॉडी को अगर मैं नेगेटिवली चार्ज बॉडी बनाना चाहता हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करना पड़ेगा। अब एक इलेक्ट्रॉन जो है, तो हमें एक चीज़ पता होनी चाहिए कि एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो होता है 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो 1.6 × 10⁻¹⁹, और इसकी नेचर होती है नेगेटिव। सिमिलरली एक पॉजिट्रॉन के ऊपर भी उतना ही चार्ज होगा, 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, लेकिन इसकी नेचर पॉजिटिव होगी। अगर मैं बोल रहा हूँ पॉजिटिव, तो ये 10⁻¹⁹ की जगह +19 मत कर देना, ये तो अमाउंट है जो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, ठीक। तो एक इलेक्ट्रॉन को हम यहाँ पर ट्रांसफर कर रहे हैं, तो इस पर इस बॉडी पर कितना चार्ज आ जाएगा, जितना इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर है, क्योंकि इस बॉडी पर जितने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पहले हैं वो दोनों तो आपस में कंबाइन होकर टोटल चार्ज जीरो कर दिया। तो जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आएगा उसी की वजह से इस बॉडी पर टोटल चार्ज बनेगा। तो इस बॉडी पर जो चार्ज आया अभी वो कितना आ गया, एक इलेक्ट्रॉन इस पर था, तो इस बॉडी पर चार्ज। क्यों यहाँ पर मैं चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो इसका मतलब इस बॉडी पर एक इलेक्ट्रॉन के बराबर मतलब 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम का चार्ज आ गया। अब अगर मान लीजिए इसकी जगह अगर मैं एक और इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देता तो 2 टाइम्स हो जाता चार्ज, 2 टाइम्स ऑफ। अब इस पूरी नंबर को हम ई लिख देते हैं, है ना, बार बार लिखने की जगह मैं इस नंबर को क्या लिख रहा हूँ, ई। तो मैंने दो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए तो 2 × E हो जाता है, E मतलब ये 1.6 × 10⁻¹⁹ लिख रहे हैं। अगर इसकी जगह 3 ट्रांसफर कर देते तो 3 हो जाता, इसकी जगह अगर मान लो मैं 10 ट्रांसफर करता तो 10 × E होता टोटल चार्ज। तो Q=10 ही लिखने का मतलब हो गया, इस बॉडी पर 10 × E मतलब 10 × 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम चार्ज है। अब आप खुद सोचिए कि इस बॉडी पर क्या मैं 2.5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर सकता हूँ, नहीं कर सकता। क्यों, या तो मैं 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर सकता हूँ या मैं 3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर सकता हूँ। मैं 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने के बाद आधा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं कर सकता। इट मीन्स यहाँ पर मिनिमम अमाउंट जो चार्ज का ट्रांसफर किया जा सकता है, या किसी भी बॉडी पर जो मिनिमम अमाउंट ऑफ चार्ज दिया जा सकता है, वो 1 इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर हो सकता है। मतलब एक इलेक्ट्रॉन पर अगर चार्ज 1.6 × 10⁻¹⁹ है, उतना ही चार्ज एक बॉडी पर या तो ट्रांसफर करके उसे पॉजिटिव बनाया जा सकता है या उसे नेगेटिव बनाया जा सकता है। तो जो मिनिमम अमाउंट ऑफ चार्ज दैट कैन बी यूज टू मेक ए बॉडी पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज इज कॉल्ड क्वांटा। तो मिनिमम जो अमाउंट होता है उसी को यहाँ पर क्वांटा बोलते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली अगर इसकी जगह हमने बॉडी के ऊपर अगर एन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिए तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, N×E। तो किसी भी बॉडी पर जो भी चार्ज होता है, अब ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी कि किसी भी बॉडी पर जो चार्ज आया है वो तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से आया। तो उस बॉडी पर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो हमेशा इंटीजर की फॉर्म में होंगे। इंटीजर का मतलब 100, 170, 150। अब कोई ये बोल सकता है कि सर 1.5 × 10⁻¹⁹, तो बेटा वहां पर 1.5 अगर मैं मान लो 1.5 × 10⁻¹⁹ करता हूँ, 10⁻², करता हूँ, तो ये भी वापस से 1.2 × 100 और ये 150 हो गया। तो टोटल इंटीजर नंबर आ गया। तो किसी भी चार्ज बॉडी, किसी भी बॉडी पर अगर चार्ज एग्जिस्ट करता है तो वो इलेक्ट्रॉन्स के इंटीजर मल्टीपल के फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है। इसी चीज को बोलते हैं लॉ ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज या क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब क्वांटाइजेशन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इससे छोटा अमाउंट नहीं जा सकता, ठीक है ना। जैसे हमारे पास सपोज एक ग्रैप्स है, ग्रैप्स में का जो हमारे पास पूरा गुच्छा जो होता है, ग्रेप्स का जो गुच्छा होता है उसमें जो एक छोटा अंगूर जो होता है, ग्रेप्स में जो अंगूर का पूरा गुच्छा होता है उसमें जो एक अंगूर होगा, ठीक है ना, वो एक अंगूर क्वांटा की टर्म्स में काम कर रहा है, वो एक क्वांटा है। या आप ऐसे समझ लो कि आपके पास 100 रुपीज और वो सारे 100 रुपीज 1 रुपी के कॉइन की फॉर्म में, तो जो वो 1 रुपी है वो एक क्वांटा है, ठीक है। तो बेसिकली इसी तरीके से चार्ज का क्वांटा क्या होता है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होगा वही एक क्वांटा होगा, उससे छोटा चार्ज
एग्जिस्ट नहीं कर सकता। हाँ, हालांकि अब बहुत सारी डिस्कवरी हो चुकी है, लेकिन हम नीट के लेवल के हिसाब से यही मान के चलेंगे कि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वही यहाँ पर क्वांटा ऑफ चार्ज होगा। तो बेसिकली कोई भी चार्ज जो एग्जिस्ट करेगा वो किसके टर्म्स में करेगा, क्यू इज इक्वल टू एन ई की फॉर्म में ही एग्जिस्ट करेगा। तो चार्ज इक्वल टू एन इन टू, यहाँ पर एन जो है वो इंटीजर नंबर है हमेशा, ई जो है वो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा 1.6 इंटू 10^-19, और क्यू जो है यहाँ पर अमाउंट ऑफ चार्ज हो जाएगा, अमाउंट ऑफ चार्ज यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो क्यू इज इक्वल टू चार्ज ऑफ अमाउंट हो जाएगा। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे बनते हैं आओ उसको जल्दी से समझते हैं, क्योंकि क्वांटाइजेशन अगर हमें पता है तो हम तो बेसिकली अगर इसकी डेफिनेशन या इसको लिखना होगा तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो अगर हमें इसको डिफाइन करके लिखना होगा तो अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, चार्ज ऑन ईच बॉडी एग्जिस्ट इन फॉर्म ऑफ इंटीजर मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो अब इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल फटाफट से देख लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, हमें चार्ज फाइंड आउट करना है। अगर हमारे पास एन दिया हुआ है, एन का मतलब यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो अगर हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 10 दिए हुए हैं तो नंबर ऑफ चार्ज यहाँ पर क्या होगा, कितना टोटल चार्ज बन सकता है, तो क्यू इज इक्वल टू एन ई आपको ये देखना है। ठीक है, अब इसमें ऐसा क्वेश्चन भी हो सकता है कि 10 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव कर दिए, तो अगर रिमूव कर दिए तो देखिए एक सिंपल सी चीज आपको समझनी है, अगर इलेक्ट्रॉन रिमूव किए जाएंगे तो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी बनेगी, और अगर ऐड किए जाएंगे तो नेगेटिवली चार्ज बॉडी बनेगी। तो हम पहले क्या करेंगे, हम सिर्फ अमाउंट डिसाइड कर लेंगे कि कितना अमाउंट ऑफ चार्ज बना है। अब फिर क्वेश्चन में देख लो, अगर वो बोल रहा है कि रिमूव किया गया है इट्स का मतलब पॉजिटिवली चार्ज बॉडी बनेगी, मतलब पॉजिटिव चार्ज आएगा, और अगर ऐड किया गया है तो नेगेटिव चार्ज आएगा। तो मैं यहाँ पर सिर्फ अभी प्रैक्टिस के लिए सिर्फ मैंने एन लिया है, तो एन यहाँ 10 है, तो यहाँ पर जो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा क्यू वो कितना हो जाएगा 10 इंटू 1.6 इंटू 10^-19, तो क्यू की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी 16 इंटू 10^-19 कूलम। इसी तरीके से सेकंड क्या किया मैंने, ई की जगह आपको ये वैल्यू रखनी है हमेशा 1.6 इंटू 10^-19 ही वैल्यू रखनी है, चाहे पॉजिटिव चार्ज निकालना हो चाहे नेगेटिव। इस -19 की जगह कभी +19 मत करना प्लीज, अदरवाइज ये गलत हो जाएगा। अब यहाँ पर एन की वैल्यू अगर 10^5 है तो क्यू कितना हो जाएगा, एन की वैल्यू 10^5, ई की वैल्यू हो जाएगी 1.6 इंटू 10^-19, तो क्यू की जो वैल्यू होगी 1.6 इंटू 10^-14 कूलम यहाँ पर ये हो जाएगा। सिमिलरली अगला अगर हम क्वेश्चन देखें तो 1 मोल दिया हुआ है, तो 1 मोल मैं यहीं पे बना देता हूँ। 1 मोल का मतलब क्या हो गया, 1 मोल का मतलब होता है 6.02 इंटू 10^23, तो अप्रोक्स हम ले लेते हैं 6 करके ले लेते हैं, तो यहाँ पर जो चार्ज हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 1.6 इंटू 10^ सॉरी -19, इसको एक मिनट, एन की वैल्यू होगी 6.02 इंटू 10^23 इंटू 1.6 इंटू 10^-19, तो जो ये क्यू आएगा ये लगभग 964 इस तरीके से कूलम अप्रोक्स जो इसका आंसर आएगा वो ये निकल कर आएगा। आप भी एक बार कैलकुलेट करके जरूर चेक करना, इसी के आसपास ही शायद आंसर आएगा, और इसको आप केमिस्ट्री में 1 फेराडे बोल सकते हो। 1 फेराडे आप इसको बोलते हैं जब केमिकल काइनेमेटिक्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक जो थोड़ा पढ़ोगे आप सेल वगैरह वाला केमिस्ट्री में, तो वहाँ पर शायद ये यूज होता है। ठीक है, तो जब आपको एन दिया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है और आपको चार्ज निकालना है, तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ इतना सा करना है कि वहाँ पर आपको सिर्फ अपना जो है एन की वैल्यू पुट करनी है और उसको ई के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। अब जैसे अब थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन अगर आ गया, तो जैसे इसने बोला है पॉजिटिव चार्ज इन दी हीलियम एटम, अब हीलियम एटम की अगर हम बात करें तो अब एटम में तो जितना पॉजिटिव होता है उतना ही नेगेटिव होता है, तो टोटल चार्ज नहीं पूछा, ये चीज़ ध्यान से समझना। फिजिक्स में हमेशा क्वेश्चन को बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़ो,
आधा क्वेश्चन कई बार हम गलत पढ़ने में ही गड़बड़ कर देते हैं। तो यहाँ बोला है हीलियम एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज, तो हीलियम एटम के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज बनता है वो प्रोटॉन की वजह से बनता है। तो हीलियम एटम के अंदर जो प्रोटॉन होंगे वो दो प्रोटॉन होंगे। तो यहाँ पर अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर प्रोटॉन, यहाँ पर क्योंकि हमें बताना है कि उसके अंदर टोटल कितना चार्ज है। तो हीलियम अंदर के अंदर दो प्रोटॉन होंगे, तो पॉजिटिव चार्ज जो आएगा वो सिर्फ प्रोटॉन की वजह से आएगा। तो टोटल चार्ज जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 2 × 1.6, क्योंकि प्रोटॉन पर भी चार्ज वही है, 1.6 × 10⁻¹⁹। तो आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर जो फोर्थ है उसका आंसर कितना आ जाएगा, 2 × 1.6 × 10⁻¹⁹। तो क्यू जो होगा वो 3.2 × 10⁻¹⁹ कूलाम निकलकर, आंसर ये निकलकर आ जाएगा। ठीक है, तो ये 3.2 × 10⁻¹⁹ कूलाम यहाँ पर हीलियम के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज है उसकी वैल्यू हो गई। तो एक ये टाइप के क्वेश्चन होते हैं। अब दूसरे टाइप के क्वेश्चन क्या हो सकते हैं, आपको क्यू दे दिया जाए और उसमें पूछा जाए कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हों, या इतना चार्ज बनाने के लिए कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यूज किए जा सकते हैं या नहीं किए जा सकते हैं। तो उस टाइप के क्वेश्चन भी हम देखते हैं। अब जैसे मान लीजिए हमारे पास चार्ज दिया हुआ है कि 1 कूलाम चार्ज है, 10 माइक्रो कूलाम चार्ज है, 20। एक और ले लेते हैं, क्यू इज इक्वल्स टू माइनस का 40 माइक्रो कूलाम, या मैं इसको ले लेता हूँ 32 माइक्रो कूलाम। ठीक है, तो 1 माइक्रो कूलाम, 10 माइक्रो कूलाम, 20 माइनस। अब आपको माइनस से घबराना नहीं है, आपको सिर्फ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन समझने निकालने। तो नंबर अब माइनस नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये कि इलेक्ट्रॉन ऐड किए हैं, और प्लस आ रहा है इसका मतलब इलेक्ट्रॉन रिमूव किए हैं। तो अब आपको क्या करना है, मैं अब यहाँ पर समझते हैं। फर्स्ट सॉल्यूशन में लिखता हूँ इसका, देखो कैसे। तो हमारे पास फॉर्मूला है क्यू इज इक्वल्स टू एन ई, इसमें हमें क्यू पता है, ई पता है, हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने। अब जैसे 1 कूलाम है, इसका मतलब ऑब्वियस ही बात है यहाँ से चार्ज रिमूव किया, इलेक्ट्रॉन रिमूव किए गए होंगे। तो चार्ज कितना हो जाएगा, 1 N, और 1.6 × 10⁻¹⁹। तो n की वैल्यू जब हम लिखेंगे तो 1.6 × 10⁻¹⁹, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 6.25 × 10⁻¹⁹। इसका मतलब ये मैंने कैलकुलेट किया है, अब अपने साथ पूरे अच्छे से कैलकुलेट करके देखना। तो 1 अपॉन, या आप इसको ध्यान भी रख सकते हो कि 1 अपॉन 1.6 × 10⁻¹⁹ करते हैं तो ये नंबर निकल कर आता है। मतलब 1 कूलाम चार्ज बनाने के लिए कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, 6.25 × 10⁻¹⁹ कूलम, यहाँ 18 इतने इलेक्ट्रॉन्स हमें यहाँ चाहिए। अगर पॉजिटिव होगा तो रिमूव करने पड़ेंगे, और नेगेटिव होगा तो ऐड करने पड़ेंगे। सिमिलरली अब इसका यूज इस तरीके से भी कर सकते हो कि आपको पता लग गया कि 1 कूलाम चार्ज में इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो आप इसका यूज फिर इस तरह से कर सकते हो। आपको बोला जाए 2 कूलाम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो अगर आपको थोड़ी फास्ट कैलकुलेशन करनी है और आपको ये याद रह जाता है, तो आपको पता है 1 कूलाम के लिए इतने इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 2 कूलाम के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा, इस नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। वो डिपेंड करता है आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी अच्छी बनती है और आप कितना टाइम बचाना चाहते हैं। अब जैसे मैं सेकेंड क्वेश्चन का आंसर निकालता हूँ, अगर तो सेकेंड क्वेश्चन दिया हुआ है कि यहाँ पर 10, तो Q इज इक्वल्स टू एन ई, अगर हम देखें तो 10 N की वैल्यू ये 1.6 × 10⁻¹⁹। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो N की वैल्यू ये हो जाएगी 10 / 1.6 × 10⁻¹⁹। तो अगर इसको कैलकुलेट हम करते हैं तो यहाँ पर ये कैलकुलेशन निकल कर कितनी आ जाएगी, इसको आप देखोगे तो आप देखोगे 10 माइक्रो, अब यहाँ पर माइक्रो दिया हुआ है, तो माइक्रो का मतलब 10⁻¹⁶ होगा, ये माइक्रो का मतलब। तो 10 × 10⁻¹⁶, आप इसको सॉल्व करोगे तो ये 10⁻⁵ / 1.6 × 10⁻¹⁹। अब मैं बार बार डिवाइड नहीं करूंगा, मुझे पता है 1 अपॉन 1.6 × 10⁻¹⁹ की वैल्यू ये होती है, तो मैं यही वैल्यू पुट कर दूंगा। तो कितना हो गया, 10⁻⁵ × 6.25 × 10⁻¹⁹,
सॉरी प्लस 18। अगर आपको सब्जेक्टिव करना है तो यहाँ से करने के बाद आप इसकी जगह ये लिखो, और अगर आपको ऑब्जेक्टिव करना है तो आपको पता है कि 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो आप 10 माइक्रो को डायरेक्ट इससे मल्टीप्लाई कर दो, मतलब ये स्टेप बीच से हट जाएगी। इसको सॉल्व करोगे तो ये बनेगा 6.25 × 10^13। अब आप चाहो तो यहाँ से ये पॉइंट हटा सकते हो और इसको ऑलमोस्ट क्या लिख सकते हो, 6.25 × 10^11। तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे 6.25 × 10^11 नंबर ऑफ यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स हमें चाहिए होंगे। अब सेम यहाँ पर क्यू की बात मैं अगर करता हूँ तो क्यू यहाँ पर फोर्थ क्वेश्चन 20 माइक्रोकूलम। आप मुझे ये 20 माइक्रोकूलम का आंसर निकाल के बताओगे कि आपके अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या आना चाहिए। मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ तो आप चेक करके देखना कि कितना आता है। तो आई होप दोस्तों ये इसका थर्ड वाले का 20 माइक्रोकूलम दिया है, उसका आंसर ये आना चाहिए। अब यहाँ पर जो फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास वो दिया हुआ था क्यू इक्वल्स टू -32। अब -32 माइक्रोकूलम है तो बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ पर -32 माइक्रोकूलम दिया हुआ है, ठीक है। तो माइनस का मतलब सिर्फ इतना सा है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिमूव ऐड किए गए हैं। तो आप जब न्यूमेरिकल में यूज़ करते हो, फॉर्मूला यूज़ करोगे, तो ये आगे का माइनस वगैरह कुछ ही लिखना नहीं है, आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखना है फॉर्मूले में। तो क्यू इक्वल्स टू, जब आप एनी लिखोगे तो क्यू की जगह आप लिखोगे 32 × 10^-6 एन, और ई की जगह 1.6 × 10^-19। यहाँ से अब इसको आप सॉल्व करोगे तो देखो एन की वैल्यू बनेगी 32 × 10^-6 डिवाइडेड बाई 16 × 10^-20, तो ये हो जाएगा 2, तो 2 × 10^14। तो यहाँ पर इसका मतलब 2 × 10^14 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ऐड करने पड़ेंगे अगर नेगेटिवली चार्ज बनाना है। तो इस तरह से अगर क्यू दे दिया जाए तो आपको एन निकालना आना चाहिए, आप एन निकाल सकते हो, बहुत सिंपल सी चीज़ है। अब एक और टाइप का क्वेश्चन मैं इसमें समझाता हूँ जहाँ पर आपको पूछा जा सकता है कि ये चार्ज पॉसिबल है या नहीं है। अब पॉसिबिलिटी ऑफ चार्ज में क्या होगा कि अगर आपसे बोल दिया गया कि इस बॉडी पर एक चार्ज है, जैसे क्वेश्चन देखते हैं, अब आपको बोला कि एक बॉडी है ए, उस पर 32 माइक्रोकूलम चार्ज प्रेजेंट है, तो ये चार्ज प्रेजेंट होगा या हो सकता है या नहीं हो सकता, एक्चुअल में एग्जिस्ट कर सकता है नहीं, तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर एन की वैल्यू निकालनी है। थोड़ी देर पहले हमने निकाली थी तो एन की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास आ रही थी 2 × 10^14, इसका मतलब ये एग्जिस्ट कर सकता है। सिमिलरली तो अगर n की वैल्यू एक इंटीजर वैल्यू आ जाती है तो इसका मतलब वो एग्जिस्ट कर सकता है। इंटीजर में आप ये ना समझे कभी, हो सकता है कि 2.5 × 10^5 आ गई, तो ये भी एक इंटीजर है। आप यहाँ पॉइंट हटाओगे तो ये बेसिकली 25 × 10^4 बन जाएगा। तो इसमें कंफ्यूज मत हो जाना कि आगे से पॉइंट आ गए तो वो इंटीजर नहीं है। अगर पीछे आपके पास एक्स्ट्रा 10 में पावर्स लगी हुई तो आप यहाँ पर लिख कर उसको निकाल सकते हो। अब जैसे एक और की जगह मान लीजिए एक बी है, इसमें 32 × 10^-19, तो अगर मैं यहाँ पर एन की वैल्यू पता लगाऊंगा तो ये हो जाएगा क्यू डिवाइडेड बाई ई, तो 32 × 10^-19 और 1.6 × 10^-19 ये कैंसिल, तो यहाँ पर भी हमें पता लग जाएगा 20 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये पॉसिबल, ये चार्ज भी पॉसिबल है। लेकिन अगर मान लीजिए इसकी जगह आपको बोल दिया जाए कि क्यू इक्वल्स टू है 33.2 × 10^-19। अब ये चार्ज है तो अगर मैं एन की वैल्यू निकालूंगा तो ये 33 × 10^-19 डिवाइडेड बाई 1.6 × 10^-19, ये इससे कैंसिल। अब यहाँ पर 3.3 / 1.6, तो ये 33 / 16, तो ये एग्जैक्टली यहाँ पर अगर हम इसकी बात करें तो ये 33 / 16 जो होगा वो एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होगा, एक इंटीजर नंबर नहीं आने वाला, इसका मतलब ये वाला चार्ज एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो अगर एन की वैल्यू आप जब कैलकुलेट, अगर आपको क्यू दिया जाता है और आप एन कैलकुलेट करते हैं और एन अगर नॉट इक्वल्स टू इंटीजर आता है तो क्यू नॉट पॉसिबल होगा।
वो चार्ज उस बॉडी पर पॉसिबल नहीं हो सकता। या तो अगर एन 2.5 आ गया तो इसका मतलब 2.5 इलेक्ट्रॉन, वो पॉसिबल नहीं है। इट मीन्स या तो 3 हो सकते हैं या 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन आए तो भी हम कर सकते हैं, ठीक है। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में यही है, तो आप इसको अच्छे से समझना। अगर एन दिया जाए तो क्यू निकाल सकते हैं, क्यू दिया जाए तो एन निकाल सकते हैं। पॉसिबिलिटी पूछी जाए तो एन अगर एन अगर इंटीजर आता है तो वो पॉसिबल होगा, अदरवाइज वो पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं, अगले लेक्चर में हम कूलम्स लॉ और चार्ज के बीच में क्या फोर्स लगता है उसके बारे में आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।